आज का चैप्टर जो है वो मैंने इस तरह से बनाया है क्योंकि इस चैप्टर में जो है प्रैक्टिकल, ये चैप्टर जो है अभी तक कॉलेज लेवल पे थ्योरेटिकल है और एक ड्राई चैप्टर माना जाता है। रेपर्टरी इतनी ज्यादा जब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं चीजों को, हमें पता नहीं चलता जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं जाते हैं या पेशेंट कैसे बोलेगा। सो ये सब चीजें जब तक मटेरियल मेडिका जो है वो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि मटेरियल मेडिका इतना ड्राई लगता नहीं है, कहीं ना कहीं आप उससे अटैच कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मोडलिटीज मिल जाती हैं, कोई पिक्यूलर सिम्टम मिल जाता है, एलन्स की नोट से मिल जाता है, तो इतनी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है जब आप मटेरियल मेडिका में। हाँ, उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी चाहिए। और आज का जो चैप्टर है वो हमने मैंने शुरू किया है आप सबके लिए डेल्यूजन के। हमें रेपर्टरी के कुछ 10-15 चैप्टर ही लेक्चर ही मिले थे, आज से ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था कि डेल्यूजन और डिलीरियम किसको कहते हैं, और प्रैक्टिस में आने के बाद भी इट वॉज ए हार्ड जॉब टू प्रैक्टिस ऑन डेल्यूजन एंड डिलीरियम। सो होता क्या था कि कुछ पता नहीं था कि ये क्या चीज है। एंड थैंक्स टू डॉक्टर सैगल दैट ही इन्वेंटेड, और उन्होंने समझने की कोशिश करी कि ये जो डेल्यूजन का चैप्टर है, आप लोगों ने देखा होगा अपने रेपर्टरी में, अगर रेपर्टरी तक गए हैं तो, कि डेल्यूजन क्या चीज है और इसको हमें छोटे से वर्ड में ही समझ में आता है। तो आज का जो पहला चैप्टर का नाम है डेल्यूजन है, तो उसमें एक छोटे से लाइन में जो बच्चे अभी जिनको रेपर्टरी जिनके पास है, जस्ट राइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्यूजन, जस्ट राइट क्विकली कुछ भी लिखे जो आपको समझ में आया तक डेल्यूजन के बारे में कॉलेज से। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, जिनको पता है वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं चैट में कि डेल्यूजन जो वर्ड है उसको उन्होंने सुना है अगर, और कैसे वो उसको समझ पाए हैं अभी तक फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में। कोई लिखना चाहता है तो लिख लें। भ्रम, इमेजिनेशन, अलीशा ने लिखा, ओके और बताइए। भ्रम, ओके। फास्ट बिलीफ, ओके ठीक है। देखो हमारे पास केवल एक ही सोच हो गई, फॉल्स बिलीफ, बस इससे प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। और देखिए ये डेल्यूजन किसका है, ये डेल्यूजन डॉक्टर का है या पेशेंट का है। चलिए सबसे पहला जो चैप्टर ऑफ डेल्यूजन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है होम्योपैथी बुक्स में, बट देयर वाज नो क्लियर आइडिया हाउ ए पेशेंट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इट। सो बिफोर डॉक्टर एम एस सहगल इट वॉज ए मिस्ट्री फॉर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर टू यूज इट। नाउ इन डिक्शनरी डेल्यूजन मीन्स ए फॉल्स इंप्रेशन, a false belief or a false opinion. In the repertory under the head of delusions the following three forms of mental states are enlisted: imagination, hallucination and illusions. So sabse pehle baat aapko dimag mein rakhni hai ye jo delusion hai wo akela word nahi hai, uske niche jo hai there are three categories: imaginations, hallucination and illusion. अब देखो डिल्यूजन क्या चीज है। डिल्यूजन वो चीज है, एक जब मैं बीमार होता हूं, मैं बीमार होने के बाद जो मेरी फैकल्टी है माइंड की, उसमें इमेजिनेशन या हेलुसिनेशन या इल्यूजन्स की जो फैकल्टी है, मतलब जो देखने की, समझने की और जो सुनने की जो शक्तियां हैं, उनमें कहीं डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, उनके डिसऑर्डर आने की वजह से मेरा जो प्रिसेप्शन है बात को समझने का, सुनने का, देखने का, उसमें एरर आ जाता है। जैसे कि मैंने कोई चीज, मेरी आंखें, जो आंखें, कान और जो मेरा दिमाग है, वो किसी भी बाहर से जो भी कोई चीज आ रही है, जैसे मैं इल्यूजन है, मैं देख रहा हूं, मैं देख तो जो चीज दिख रही है मेरे को, वो दिख तो मेरी आंखों को तो ठीक ही दिख रही है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो ब्रेन के ऊपर फास्ट जाके दिखती है, ब्रेन को कुछ और दिखती है, लेकिन आंखें वो इसमें दोष नहीं है, आंखें ठीक है। अगर मैं कोई चीज मेरे दिमाग में आ रही है, ऑडिटरी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कुछ और सुन रहा हूं, तो मेरे कानों में जो आवाज गई थी, जिसने कुछ कहा, वो आवाज तो ठीक ही गई थी, लेकिन उसकी जो प्रिसेप्शन है दिमाग में, वहां पे कहीं पे गलत, वो गलत ले रहा है, उसको गलत कैच कर रहा है। तो पहली बात है, डेल्यूजन हम यूज करते हैं उस आदमी के लिए जो आके डॉक्टर को कोई इंफॉर्मेशन देता है और डॉक्टर उसकी बात से सहमत नहीं है, या कोई भी उसके जो घर वाले हैं या उसके जो रिलेटिव हैं या उसके फ्रेंड हैं, वो उसकी बात से सहमत नहीं होते। वो कहते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है जैसे ये बता रहा है,
इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जो प्रॉब्लम है वो जीरो है, जीरो नहीं है, है तो सही लेकिन वो उसको एग्जरेट कर रहा है। एग्जरेट इस तरह से कर रहा है कि जो सामने वाले लोग हैं वो उसको पहचान नहीं पा रहे कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने कोई चीज देखी, अब मैं कह रहा हूं कि वो जो चीज जो मैंने देखा मैंने उसको राइट मान लिया। फॉल्स इंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि मेरे हिसाब से वो जो चीज थी, अगर वहां वो गलत थी तो मैं उसको ठीक कह रहा हूँ, वहां पे वो ठीक थी तो मैं उसको गलत कह रहा हूँ। लेकिन सामने वाले जो जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं वो गलत है, जो पेशेंट है वो बोलता है नहीं ठीक है। तो फॉल्स इंप्रेशन बोले झूठा इंप्रेशन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। भ्रम कोई भ्रम होता है कोई सुपरस्टिशियस लेवल पे हो जाता है, यहाँ कोई भ्रम पैदा नहीं हो रहा, यहाँ फैकल्टी जो है वो काम नहीं कर रही ढंग से। तो जिसमें कि हमारी जो सोच है, जो हमारी समझ है, जो जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम लोग भाप रहे हैं, हेलुसिनेशन भापना, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन का फॉल्ट है। नर्व जो नर्व्स हैं हमारी, जो ऑडिटरी नर्व्स हैं, विजनरी नर्व्स हैं, या जो भी नर्व्स सिग्नल को कैरी करती हैं टू द माइंड, वहां कहीं फॉल्ट है, इसको हम कहते हैं डेल्यूजन। अब इसलिए इसके अंदर जो रूब्रिक दिए गए हैं, पहले आपको ये देखना है, याद रखना है कि डेल्यूजन्स के अंदर तीन कैटेगरीज है। क्यों? क्योंकि जो डेल्यूजन्स के अंदर जो रूब्रिक्स हैं, अंडर रूब्रिक्स होंगे, वहां पे आपको ये जज करना होगा कि ये जो रूब्रिक है वो इमेजिनेशन का है, वो हेलुसिनेशन का है, या वो इल्यूजन का है। उसके हिसाब से ही आप उसको यूज कर पाएंगे, खाली डेल्यूजन्स वर्ड से यूज नहीं कर पाएंगे इसको आप। चलते हैं इमेजिनेशन के ऊपर। डेल्यूजन के साथ ही अगर आपके पास केंट रिपर्टरी हो तो उसमें आप देखेंगे केंट ने तीनों को साथ में दिया हुआ है कि डेल्यूजन्स के पीछे तीन सबलाइंस है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन क्या होते हैं? एक थॉट प्रोसेस होता है इमेजिन करना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइंड विच हैज नो रिलेशन विद रियलिटी। जैसे मैं किसी भी चीज को इमेजिन कर लेता हूँ, जब मैं इमेजिन करता हूँ कोई चीज तो मैं किसी इंप्रेशन को इमेजिन करता हूँ, या मैं किसी बात को इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब ये इमेजिनेशन जो है ये ब्रेन ने बनाया है, ये बाहर से नहीं आया, ये मेरे अपने ही माइंड का प्रोडक्ट है। तो जब हम कुछ इमेजिन करते हैं तो वो प्रोडक्ट तो बन गया, जब वो बन गया तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। बीमारी ने मेरा एक इमेजिन बन गया कि जैसे कि अब मैं तो खत्म हो गया, अब जैसे मैं तो अकेला रह गया, जैसे मेरे को तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। ये चीज क्या होती है? ये वो चीजें होती हैं जो दिमाग बना लेता है और छोड़ नहीं पाता। ठीक है, अब जैसे जैसे आप रिपर्टरी में जाएंगे तो मैं आपको जैसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत लंबे तक काम आएगी ये बात अगर समझ गए आप। डेल्यूजन, यहाँ पे आपको मैंने तीन चीजें बताई, इमेजिनेशन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, इसके तीन पार्ट में पढ़ा जाता है इसको। हम खाली डेल्यूजन्स में ही अटक जाते हैं, इसलिए क्या है कि आधी अधूरी नॉलेज हो जाती है हमारे पास। अब जैसे एक पेशेंट है, मैंने आपको एक रूबरी दिखाया पहले अभी खाली, ठीक है, अब उसको क्या लगता है पेशेंट को कि मैं संसार में अकेला हूं। ऐसे आपको डिप्रेशन, जब आप आदमी डिप्रेशन में होते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी कभी कभी आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं बीमार होकर ये सोच रहा हूं या मैं नॉर्मल होकर सोच रहा हूं। जैसे हम एक आम एक लाइफ में हम ये मान लेते हैं कि मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं संसार में। ऐसी चीजें देखिए कितनी भावनाएं प्रैक्टिकली क्लिनिक में आएंगी, और अभी भी आपको मिलेंगे लोग जो ये लोग वैसे भी एक अनजाने में, उनको नहीं पता। अब बात यह है, ये एक पेशेंट सोच रहा है, ये रूब्रिक जो है ये इमेजिनेशन का है, ठीक है, ये हेलुसिनेशन का नहीं है, ये इल्यूजन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आदमी इमेजिन कर रहा है। वो इमेजिन क्या कर रहा है कि वो संसार में अकेला है। अब ये उसके दिमाग में क्यों आता है कि वो अकेला है? तो जैसे कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं सर बात ये है कि जब से कोरोना वायरस को चलो कोरोना वायरस ही ले लो, अब इसमें घर से निकलना बंद हो गया, अब मैं किसी को बीमारी कोरोना वायरस में हो भी गई, किसी को खांसी, किसी को माइल्ड सिम्टम आ भी गए, तो वो ये सोच रहा है कि उसका कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, डॉक्टर साहब मैं अकेला ही रह गया, मैं किसको अपनी बातें बताऊं, मैं किसको अपना दुख बताऊं। ये बातें आप सुनेंगे प्रैक्टिकली, जिसमें आदमी को लगता है कि जब आपको लगता है कि मैं अलोन हूं, तो पहले वर्ड हुआ अलोन इन द वर्ल्ड,
अलोन कौन हो सकता है जिसकी कोई सपोर्ट ना हो? अलोन वो होता है जो जिसकी लड़ाई अकेले, वो अकेले लड़ रहा है जिंदगी में, उसका कोई लड़ने वाला नहीं है। अब आप कहोगे कि पेशेंट तो सही कह रहा है कि भाई उसके पास कोई है ही नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, आज जो भी है वो अकेले जूझ रहा है अपनी बीमारी से, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि ये एक प्रैक्टिकल समस्या है एक बीमार आदमी की। अब उस आदमी को नहीं पता कि वो जो बोल रहा है वो एग्जेजरेट कर रहा है, अपनी तरफ से तो वो सही बोल रहा है कि जी मेरा कोई नहीं है संसार में, ये उसने ना मन में बात बना ली है कि कोई भी नहीं है, चाहे उसके, चाहे हो सकता है कि उसकी माँ उसके साथ ना हो, लेकिन उसने क्या किया कि एक माँ के साथ ना होने से उसने पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर लिया। अब ऐसा हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में उसका कोई ना हो? अब इस पेशेंट को हम बोलते हैं कि भी ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे संसार में ही तुम्हारा कोई नहीं है, कोई पड़ोसी तो होगा, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई स्कूल का फ्रेंड होगा, कोई तो होगा भाई जिसको तुम कह सकते हो कि मेरी ये समस्या है, मेरी सपोर्ट कर दो। नहीं सर, मेरा तो कोई नहीं है संसार में। अब यहाँ पे ये आदमी ने एक इमेजिनेशन बना लिया, अब वो उसमें जीने लग गया इमेजिनेशन में। इससे क्या होगा कि ये आदमी अकेला रह जाएगा, मतलब अकेला है नहीं, लेकिन इसकी अपनी सोच की वजह से वो एक तो अकेला पा रहा है और वो अकेला रह भी जाएगा, इसकी वजह से वो दुखी हो रहा है। और देखिए इसके अंदर जो भी वहां पर रेमेडीज है, कैंपर है, साइक्लामिन है, हूरा है, प्लेटिना, पल्साटिला, अब आप देखिए कि क्या पूरे होम्योपैथिक वर्ल्ड में ये पांच रेमेडी ही ऐसी है? हाँ, ये पांच रेमेडी ही ऐसी है। और इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब आपको कोई पेशेंट ऐसा कहता है तो आपको 50 मेडिसिन में ढूंढने की जरूरत नहीं है दवाई को, आपको केवल ये रूब्रिक निकालना है और आपको पांच मेडिसिन का मेटेरिया मेडिका अगर पता है तो ठीक है, अगर आप इसमें कोई रूब्रिक ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है। अब अकेला उसको महसूस होता तो है, तो अकेले होने में उसकी प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर आप अकेले भी हो वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम क्या है, रह लो अकेले। नहीं सर, बीमारी में किसी को जरूरत तो होती है ना, कोई तो हो जो आपको पुचकार दे, जो आपको थोड़ा सा मदद कर दे, जो पास बैठ जाए, जो जैसे डॉक्टर साहब मेरी माँ थी वो मेरे पास बैठ जाती थी, डॉक्टर साहब ऐसे थोड़ी मदद कर देती थी मेरे को, अच्छा लगता है ना डॉक्टर साहब कोई पास में हो तो। अब देखिए जिसने इस जिसने जैसे हम लोग आगे बढ़े, हमने कहा कि भाई अगर अकेले रह भी गए तो क्या बात है, रह लो अकेले, इसमें मुसीबत क्या है? तो अब पेशेंट को मुसीबत क्या अकेले रहने में? वो बोलता है कि नहीं सर, कोई तो हो ना जो थोड़ा बहुत ध्यान रख ले, कोई पूछ ले, ऐसे उसको है। तो ये पेशेंट हो जाएगा पल्साटिला का। अब देखिए हमने पल्साटिला को केवल डेलूजन से ही निकाल लिया। अब हमने पल्साटिला को डेलूजन से कैसे निकाल लिया, ऐसा क्या हमने सोचा कि अब इसमें हम लोग एक रूब्रिक डाल देते हैं, कैरी डिजायर टू बी एंड केयरेस्ट, केयरेस्ट ना सब कोई हो जो पास पूछने वाला तो होना है, कोई मदद कर दे, कोई उठा के सामान वहां से वहीं रख दे, मेरा मेरे को टॉयलेट ले जाने वाला हो, कैरिड हो, कोई मेरे को उठा के टॉयलेट ले जाए, इसे कहते हैं कैरी डिजायर टू बी। और फिर जब दोनों रूब्रिक को एक साथ डाल दे, हमने एक डिलीजन का रूब्रिक लिया और एक रूब्रिक लिया, खाली पल्साटिला निकल के आ गई। अब आप पल्साटिला अगर मटेरियल मेडिका से पढ़ते हैं, वहां इन दो रूब्रिक का कोई भी ज्ञान नहीं दिया गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ना कोई कहने का तरीका है। मटेरियल मेडिका बिल्कुल एक अलग स्टडी हो जाती है, लेकिन अगर आप रेपर्टरी से जाते हैं तो एक तो ये अनबायस स्टडी होती है जिसको आपको समझ में आ जाती है कि ये क्या चीज है। तो मैंने एक आपको इमेजिनेशन का रूब्रिक बताने की कोशिश करी कि देखिए हम कितनी आराम से डेल्यूजन को समझ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि डेल्यूजन जो किताबों से समझा जाता है वो प्रैक्टिस से नहीं आ पाता। तो हमारा मानना ये होता है कि पेशेंट बेचारा कह तो सही रहा अपनी बात को, कहना सही कह रहा है वो। अब एक रूब्रिक है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रूब्रिक आएगा डेल्यूजन पुअर थिंक ही इज, एक रूब्रिक और आ गया यहाँ पे आप तुम्हारे लिए जानने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग हजारों बार लगा चुके हैं, बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत जल्दी से लग जाएगा। आज मैं समझाऊंगा तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इसको और ये भी मान जाएंगे कि आने वाले टाइम में जब भी 5 साल 10 साल जब भी आपको प्रैक्टिस में ऐसा कुछ सुनने का मिलेगा, जल्दी से सुनने को मिलेगा, तो आप कहेंगे वाह ये तो मैं आराम से लगा सकता था।
ये आ रहा है रूब्रिक डेल्यूजन इमेजिनेशन पुअर हीज, मैंने साथ में वर्ड पहले लगा दिया, ये इमेजिनेशन का रूब्रिक है, इमेजिनेशन पुअर हीज। अब ये रूब्रिक हम आप सोचेंगे कि हम लगा रहे हैं किसी गरीब आदमी पे, कोई गरीब पेशेंट आ रहा है आपके पास और वो कह रहा है डॉक्टर साहब मैं गरीब हूँ, तो भैया गरीब तो गरीब ही होगा ना, उसको उसको इमेजिनेशन करने की क्या जरूरत है गरीब आदमी को, वो झूठ तो बोल नहीं रहा। अगर किसी के पास कम पैसे हैं, कोई बैगर है, कोई भीख मांगता है, या किसी को बहुत रोटी मुश्किल से वो 2000 रुपये महीना कमाता है, तो वो रियलिटी है ना, वो कोई फॉल्स बिलीफ तो है नहीं। तो ये फिर हम रूब्रिक लगाएंगे किसके ऊपर के डिल्यूजन इमेजिनेशन पुअर ही इज। तो दोस्तों हम ये रूब्रिक लगाएंगे जो अमीर लोग हैं, जो अमीर है वो सोच रहा है कि वो गरीब है। तो यहाँ पे देखिए परसेप्शन का फर्क है। आप सपोज करिए हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसके पास 2 पेट्रोल पंप है, 2 उसके पास ग्रोसरी स्टोर है, और वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे पता क्या लगता है कभी कभी कि डॉक्टर साहब मेरे पास ना 3 दुकानें और होती, या मेरे पास दो ही पेट्रोल पंप है, 2 और होते तो यहाँ वो क्या। अब हमने कभी ऐसी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी कि पेशेंट अपनी बात है, अपने दिल का दुख, ये उसके अपने दिल का दुख है जो बीमारी से जुड़ जाता है। अब हम ये पूछेंगे भी ये जो तुम्हारे मन में आ रहा है कि मेरे पास 2 ही पेट्रोल पंप है, मेरे पास 2 ही दुकानें हैं, क्या ये चीज तुम्हारे को बीमारी के बाद आई या बीमारी से पहले भी आई थी? तो पेशेंट अगर ये बोलता है कि नहीं सर बीमारी से पहले तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो खुश था, आराम से रहता था, हुआ क्या है कि पिछले दिनों में मेरी टांग में मोच आ गई, या मेरे को बुखार हो गया, या मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कोरोना वायरस ना हो जाए, तो सर मेरे को घबराहट इस बात से हो रही है, मन में ये बात उठ रही है कि यार मेरे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो हम उस पेशेंट को रियलिटी दिखाते हैं कि अभी तो आपने बताया कि आपके पास 2 पेट्रोल पंप है, 2 आपके पास किराने की दुकानें हैं और अच्छा चीज है। हाँ डॉक्टर साहब वो तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर 3 पेट्रोल पंप होते, अगर 4 दुकानें होती, तो शायद मैं और अच्छे से चीजों को संभाल पाता, मुझे लगता है नहीं यार कोई कमी है अभी भी, डॉक्टर साहब कमी महसूस हो रही है मेरे को, अब कमी महसूस होने लग गई। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि पुअर किसको कहते हैं, पुअर उसको नहीं है जिसके पास रोटी नहीं है, पुअर उसको नहीं कहते हैं जो गरीब है, पुअर उसको कहते हैं जिसके पास कमी है वो पुअर है। जैसे कि आज मेरे पास ये होता, जैसे हमने इस रूब्रिक को कैसे समझा, मरीज आता है सबसे पहले वो कहता है डॉक्टर साहब ऐसा है मेरे पास ना भगवान का दिया सब कुछ। इस लाइन को आप नोट करिए क्योंकि इसको लोग पेशेंट काफी कहेंगे और ये आपके प्रैक्टिस में छूटना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब वैसे भगवान का दिया सब कुछ है, एक वैसे डॉक्टर साहब बात ये है कि घर में कोई चीज किसी चीज की कमी नहीं है, नंबर 2 मैंने मेहनत बहुत करी डॉक्टर साहब मैंने बहुत कमाया, पैसा आज भी बहुत है मेरे पास, नंबर 3 अब मैंने आपको 3 लाइनें दी, आपने अगर लिख ली होगी तो अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। पहले हम इन 3 लाइनों को समझते हैं कि ये 3 लाइनें कौन कह रहा है, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं फिर डेल्यूजन चैप्टर में और हम डाल देते हैं इसको रूब्रिक के अंदर वेल्थ इमेजिनेशन। मैंने अभी आपको पुअर का दिया है, अब मैं आपको दे रहा हूं वेल्थ का। देखिए रूब्रिक क्या है, कैंट ने दिया है डेल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, इमेजिनेशन को डाला गया है इसमें जान के, ताकि हमें पता चले कि एक पेशेंट इमेजिन कर रहा है रियलिटी में उतना पैसा, ठीक है पैसा हर एक के पास होता है, कोई गरीब समझता है अपने आप को, जैसे पैसे वाले लोग हैं वो गरीब समझते हैं, एक गरीब आदमी है सड़क के ऊपर, कोई सपोज करो कोई भिखारी है, कोई बैगर है आपके पास, वो सोचता है मेरे जैसा कोई अमीर ही नहीं है, मैं करता क्या हूँ, सुबह से आराम से पैसे कमाता हूँ, चैन की नींद सोता हूँ, मेरे को क्या ना इनकम टैक्स देना ना मेरे को कोई प्रॉब्लम है। समस्या है अमीर आदमी की जो अमीर है। अब बात है कि हम जो रूब्रिक लगा रहे हैं, मैं दोबारा तुम्हारे सबके ध्यान में डालना चाहता हूँ, हम ये रूब्रिक जो है वो मरीज के रूब्रिक है, किसी आम आदमी के नहीं है। अब जैसे ही आप जब मरीज हो जाते हैं तो आपकी सोच जो है वो 1 मिनट में ही बदल जाती है, 1 मिनट में, जैसे कि मेरे को छींक आती है, छी ओ माय गॉड, छींकते ही ओ माय गॉड कैसे याद आ गया आपको, छींक से पहले तो नहीं याद आया था आपको ओ माय गॉड। यही एक चीज है जो हमारा दिमाग जो है इतना सेंसिटिव है, आवर माइंड इज सो सेंसिटिव दैट एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द बॉडी एनीवेयर
from head to toe, it immediately conveys the signal to the mind that something has occurred in the body. Something wrong has occurred in the body. Even if you are happy, then also your mind notes it. आपके दिमाग को पता चल जाता है कि ये खुशी की बात है तो हंसना है, ये गम की बात है तो रोना है, आज आप सक्सेस नहीं हुए तो आपको सैड होना है. जब आप सैड होते हैं, जब आप हंसते हैं किसी बात के ऊपर, जब आप खुशी मना रहे होते हैं, जब आप दुख मना रहे होते हैं, जब आप डर रहे होते हैं, ये माइंड को कैसे पता चलता है कि ये जो सिचुएशन सामने आई है इसमें डरना है? या माइंड कैसे रीड करता है कि ये जो आप पास हो गए एग्जाम में, आप आपको खुशी मनानी है, पार्टी करनी है? इसका मतलब माइंड को सिग्नल लेने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, फ्रैक्शन के माइंड जज कर लेता है कि अभी आप उदास क्यों हो गए. इसी तरह से डिल्यूजन जो है वो एक पेशेंट एज ए डॉक्टर समझते हैं. पेशेंट को नहीं पता ये वर्ड के डिल्यूजन किसको कहते हैं. ना मेरे को आज तक किसी प्रैक्टिस में किसी पेशेंट ने आके बोला कि सर आई एम इन डिल्यूजन, या मेरे को भ्रम है, भ्रम की स्थिति में हूं मैं. तो ऐसा नहीं कोई बोलता पेशेंट डायरेक्टली. बोलते ये लोग हैं, जैसे पेशेंट आता है हम उससे पूछते हैं, हाँ जी बोलिए क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपको. पेशेंट जो डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन में होगा, ठीक है, वो आते ही सबसे पहले ये बोलेगा, सर ऐसा है देखिए प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा तो है नहीं, मेरे को थोड़ी बहुत समस्या है, वैसे तो इतनी ज्यादा समस्या मेरे को वैसे जिंदगी में कभी हुई भी नहीं और अभी भी नहीं है. तो उसने सबसे पहले आपको एक उसके इमेजिनेशन के हिसाब से ये बता दिया कि उसकी बॉडी 90% तो ठीक है. जैसे कई पेशेंट आपको ये बोलेंगे, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्लिनिकल, ओके डॉक्टर साहब 90% तो मुझे कोई समस्या नहीं है. तो डाल दो रूब्रिक डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन, आप पहले तो ये बनी है आपका रूब्रिक. ये 12 मेडिसिन में से एक हो सकता है कोई. अब ये कौन होगा ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है. जब वेल्थ है तो भैया जब तुम सब कुछ डॉक्टर साहब वैसे सब कुछ ठीक है, ये भी वेल्थ इमेजिनेशन में चला जाएगा. मैं इतनी आपको कॉमन चीजें बता रहा हूँ, आप सोचेंगे ये तो सभी कहेंगे, सर नहीं कहते. जिनको ये प्रॉब्लम, जिनके मन में ये भावना, जिनके मन में ये एक सोच, ये सोच है कि मेरा सब कुछ ठीक है, तो फिर भी वो डॉक्टर के पास तो आया ही है. तो हमारा केस चेकिंग में सबसे पहला रूब्रिक ये डल जाएगा. अब बात ये है कि हम पेशेंट से पूछेंगे, भाई अगर आपका सब कुछ ठीक है तो फिर आए क्यों, फिर क्या समस्या है आप? आप कहते हो 90% तो डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ. ऐसा है डॉक्टर साहब, फिर बात ये है कि 10% जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है ना अपनी, वो है पेट की. डॉक्टर साहब मेरा पेट जो है ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है. और डॉक्टर साहब बात ये है कि जैसे मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ बाजार का, मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ पेशेंट की, स्क्रिप्ट एकदम, बस आप जाओ और लगा दो क्लिनिक में. डॉक्टर साहब बस प्रॉब्लम ये होती है कि भाई जैसे मैं बाहर गया धूप में तो सर दर्द हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहब मैं कहीं बैठ गया थोड़ी देर तो कमर का दर्द हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहब मैं थोड़ा चल लिया तो पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है. तो रसा मेरे को ये लगता है कि भी बाकी सब तो ठीक है, बस ये थोड़ा सा जो पैर में दर्द हो जाना, पेट खराब हो जाना, सर दर्द हो जाना, ये जो थोड़ी चीजें हैं, मैं सोचता हूँ ये भी अगर ठीक हो जाए. अब देखिए उसने क्या चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं, वो किसको डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है पुअर को. अब वो पुअर बताने वाला आपको, ठीक है, पहले उसने अपनी वेल्थ बता दी, अब उसने अपना पुअर बता दी. अब हम दोनों रूब्रिक को डाल देते हैं आपके लिए. पुअर की भाषा आपको समझ में आई होगी कि पेशेंट, पुअर का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग. ओके, मैं आपके चैट में लिख देता हूं सो दैट अगर किसी ने मिस कर भी दिया हो भाषा में मेरी. ओके, पुअर होता है लैक ऑफ, कुछ कमी है, पुअर ये वर्ड आता है. पुअर मीन्स लैक ऑफ समथिंग. अगर आप कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट कर. अब यहां देखिए ये ना उसका कोई फॉल्स बिलीफ नहीं है. हाँ, पेशेंट थोड़ा बहुत जो भी बात कह रहा है उसकी हमने करनी होती है इंटरप्रिटेशन. बेटा हम लोग करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन, ये हमारा काम है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन होता है एनालिसिस करना किसी बात को. पेशेंट ने जो कहा है, हमारा काम होता है उसकी बारी बात को समझे, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन, फिर जो उसने कहा है उसके इंटरप्रिटेशन करें कि हम समझें कि वो जो कह रहा है उसका भाव क्या कहना चाहते हो आप. पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ऐसा है, अगर ये मेरा पुअर थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ी सी कमी जो मेरे को बाहर निकलने में सर दर्द होता है, मैं थोड़ा सा भी खा लेता हूँ पेट खराब होता है, मैं सोचता हूँ डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा जो हल्की सी प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए तो डॉक्टर साहब फिर तो मैं ना मजा आ जाए, फिर मजा आ जाएगा. अब मैंने आपको पूरी एक स्क्रिप्ट बता दी,
पहले तो ये बताओ कि ये स्क्रिप्ट आपको समझ में आई, यस या नहीं, तब मैं आगे चलूं, नहीं तो आप पुअर रह जाओगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी वेल्दी, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी पुअर। तो आप बताइए आपको ये व्याख्या जो भी मैंने आपको समझाया, ये आपको लगता है कि क्लिनिकल है या नहीं क्लिनिकल है, या आपने कभी जिंदगी में सुना है या कभी नहीं सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने नहीं सुना, आने वाले टाइम में जब प्रैक्टिस में जाएंगे आप जरूर सुनेंगे इसको। ये एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ जो क्लिनिक में पेशेंट बोल देते हैं, अनजाने में बोल जाता है पेशेंट, वो ये नहीं कह रहा डॉक्टर साहब ये मेरा सिम्टम है, डॉक्टर साहब मेरे को समझिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, आता है बैठता है बोलना शुरू कर देता है, डॉक्टर साहब ऐसा है थोड़ी सी खारिश हो रही है, थोड़ी सी खारिश हो रही है डॉक्टर साहब, वैसे तो सबको ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ी सी खारिश है डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ ये खारिश जो है ना थोड़ी छोटी थोड़ी सी खारिश है, ये जो स्मॉल थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब, ये भी आप ठीक कर दो ना, बस फिर तो मजा आ जाएगा लाइफ का, मेरा जीने का मजा। तो आप सबने लिखा यस, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप यस लिख रहे हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि मैं आपको क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं इसको वेल्थ के साथ जोड़ने की आपको दिखाता हूँ, इसको हम जोड़ देते हैं दोनों को। देखिए डिल्यूजन वेल्थ में और डिल्यूजन हमारे पास जो रूब्रिक आएगा पुअर, दोनों ही वैसे आपको दिख भी रहे होंगे, लेकिन इसमें दोनों में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि शायद रूब्रिक दिख जाए आपको, थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया वैसे ये, फिर भी आपको दिख जाएगा, इसमें मैं आपको रूब्रिक दिख जाएंगे, डिल्यूजन आपकी स्क्रीन पे पुअर और वेल्थ, इसमें देखिए एक ही रेमेडी आ रही है, वो आ रही है बेलाडोना, कोई इसका टक्कर में कोई है ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है इन दोनों में से, खाली एक ही इंसान है बेलाडोना। तो आपकी प्रैक्टिस में क्या आसानी हो गई, अगर कोई पेशेंट ये दोनों चीजें एक साथ बोल देता है तो आपकी सिंपल प्रैक्टिस में वो साथ में ये बोलते डॉक्टर साहब मजा आ जाएगा, बस डॉक्टर साहब ये बार ऐसा करो आप लोग अच्छी सी दवाई दे दो, बस ये जो छोटी सी समस्या है ना मेरी जिंदगी की, पेट खराब होना, कभी खांसी हो जाना, कभी गला पकड़ जाना, वैसे वैसे तो कोई मुसीबत तो है नहीं, देखो मैं अच्छा सा कमाता हूँ, घर भी बढ़िया सा है मेरे पास, दो गाड़ियां है सब कुछ ठीक है, बस मैं सोचता हूँ यार ये पेट खराब होने की वजह से डॉक्टर साहब कभी कभी लगता है यार ये पेट की समस्या ना होती तो आज हम भी मजे कर रहे होते। तो बस आपने ये सुनना है, इतनी सी बात सुननी है, और आपने जो आपकी दवाई जो है वो रेडीमेड है पक्की, उठा के उसको बेलाडोना 330 जो भी आपके पास है 6 खिला दो, आपको ये चीज सुन के जो है हैरानी तो ही होगी कि ऐसे डिल्यूजन लग सकता है, लेकिन हाँ डिल्यूजन लगाने का एक तरीका जो हमारे पास है वो यही है, बाकी अगर आपके पास कोई हो तो आप लगा सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि दो रूब्रिक मैंने अभी आपको डिल्यूजन के ही सिखा दिए जो इमेजिनेशन के साथ है, जिसमें आदमी को लगता है कि वो इमेजिन कर रहा है, तो इमेजिन क्या होता है कि अब इसमें क्या हो रहा है कि डिल्यूजन पुअर है, ये उसकी ना सोच है, थिंकिंग इज मेकिंग इट सो, उसकी सोच उसको डिल्यूजन में ला रही है, बट द क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड, अब एक आदमी जो है वो बीमार है, हमारे पास एक रूब्रिक है ठीक है, वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि जब एक आदमी का गला खराब है, जब एक आदमी को पेट में दर्द है, उसके अंदर उस पेशेंट के अंदर हम ये रूब्रिक कैसे लगाएंगे। देखिए एक रूब्रिक है डिल्यूजन सिक इमेजिन, अब देखिए रूब्रिक जहां इमेजिन लगेगा वहां वर्ड इमेजिन ऑटोमेटिकली कैंट ने दे रखा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस रूब्रिक को भी, रूब्रिक है डिल्यूजन सिक इमेजिन्स हिमसेल्फ। अब बताइए एक आदमी अपने को बीमार क्यों समझेगा, ये तो इसका मतलब तो यही हो गया कि वो बीमार नहीं है और वो अपने आप को बीमार समझ रहा है, सिक समझ रहा है। अब पहली बात है कि सिक वर्ड किसको कहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ, और आपके पास आने से मेरे को फायदा ये है कि मैं भी कुछ सीख जाऊंगा। तो हम लोग आपसे ये पूछे जाएंगे कि सिक वर्ड का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक वर्ड का, पहले तो मतलब समझेंगे तो हम आगे चलेंगे। आप में से कोई जो है जो जानना लिखना चाहता है लिखे सिक वर्ड का क्या मतलब हुआ, तो आपको रूब्रिक भी जल्दी से समझ जाए। इसको कहते हैं रिपर्टरी की ज्ञान करना, एक एक वर्ड हमारे लिए कीमती है, डायमंड है हमारे लिए, ये वर्ड हम ऐसे यूज करते हैं सिक, सिक वर्ड तो वैसे सिक लीव, सिक हो रहा है, मैं बीमार हूं, देखिए कोई लिखना चाहता है तो लिखिए सिक समथिंग डिरेंजमेंट इन द हेल्थ, बट कुछ ना कभी कभी कोई चीज आप ऐसे यूज करिएगा आगे जाके प्रैक्टिस में जो ना एक आम भाषा में हो, अनहेल्दी ठीक है, फीलिंग दैट ही इज नॉट वेल ओके वेरी गुड, ये थोड़ा सा वर्ड ठीक है, any deterioration from healthy state okay very good, नीरू ने लिखा। देखिए बेटा सिकनेस में हमारे पास वर्ड कौन से आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वर्ड बताता हूँ जो हमारे को तंग करेंगे आगे प्रैक्टिस में, सिक इलनेस एलमेंट डिजीज, ये देखिए मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ,
ये सब अलग अलग है। आप सिक को इल नहीं कह सकते, इल को एलमेंट नहीं कह सकते, एलमेंट को डिजीज नहीं कह सकते। आप लोगों ने कभी एक वर्ड सुना है सिक इंडस्ट्री? इंडस्ट्री ये वर्ड सुना है किसी ने? सिक इंडस्ट्री, देखिए यस या नो, अगर आपने नहीं सुना तो कभी ये वर्ड यूज किया जाता है सिक इंडस्ट्री, जिसको गवर्नमेंट बेच देती है, प्राइवेट के हाथों में बेच देती है, जो चीज नहीं चलती है गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट जो है उसको दूसरों को बेच देती है पैसे वालों को, भी आप चला लो हम तो चला। तो जो बताइए इसको किसी ने सुना, यस और नो? सिक इंडस्ट्री नहीं सुना तो आपको किसी बिजनेसमैन से? नहीं सुना, ओके अच्छा नहीं सुना तो आपको सुनना चाहिए। अगर आपको नहीं पता था तो आपको पता होना चाहिए। देखिए हम लोग ना जो जब भी हम रेपर्टरी या मटेरियल मेडिकल समझेंगे ना, उनके जो वर्ड्स के जो मीनिंग है वो हम डे टू डे लाइफ से समझेंगे, किताबों से नहीं, डिक्शनरी से जाके नहीं समझेंगे, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। कि सिक इंडस्ट्री उसको कहते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं रही, अब जो कि अब प्रोडक्टिव नहीं रही, ओके, जिसमें कि प्रोडक्ट बहुत गिर गई है और जो उसका उसका जो प्रॉफिट है वो नहीं, जो भी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट नहीं दे पा रही, ठीक है, अनप्रॉफिटेबल जो भी कंपनी होगी, अनप्रॉफिटेबल कंपनी, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिक करते हैं उसको, जो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब देखिए सिक वर्ड किसको आता है? उसको लगता है पेशेंट को, डिल्यूजन सिक को ये लगता है कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि अब ना मैं काम की नहीं रही डॉक्टर साहब। अब देखो मैं आपको जो वर्ड दे रहा हूँ ना, आप मुझे बताना सुना या नहीं सुना। क्या कभी किसी पेशेंट ने या कभी आप लोगों ने आसपास के कोई, जैसे आपकी माँ बाप हो, कोई भी बूढ़े हो, ऐसा आप काम के नहीं रहे, हम सुना या नहीं रहा? सुना, ऐसा वो हिम्मत नहीं रही जो थी, ऐसा पहले बड़ा कमाते थे, ऐसा एक टाइम था लाखों रुपया कमाया डॉक्टर साहब, अब तो 5,000 में मुश्किल से कमा रहे हैं। यस सर, आया ना मजा सुनने का? यही तो सिक इंडस्ट्री होती है और क्या होती है, इसी तो कह रहे हैं वो पेशेंट अपने को। अब पेशेंट देखो भी कोई डिक्शनरी पढ़ के तो आ नहीं रहा आपके पास, ना उसको रूब्रिक का पता है, ना उसको वर्ड का पता सिक्का, वो गांव से आया आपके पंजाब के, हिमाचल से, पंजाब कहीं से भी आया, आते ही वो बैठ गया और जी माता जी की हाल है, ठीक हो? मैं की दसा चंगा है, मन चंगा नहीं है। क्यों भाई, क्या बात हो गई मन को? मन की उदास है, देखो शरीर का हाल देखो डॉक्टर साहब, की हो गया हूं, एक कम नहीं होता, एक काम अपने से तो होता नहीं डॉक्टर साहब सही ढंग से, जो करने जा नुकसान और कर देती, ऐसा हाथ पे ढीले पड़े हुए हैं, एक चीज करो अरे वही नहीं होती टाइम से, ऐसा हाथ पैर भी जान नहीं रही, हड्डों में जान नहीं रही। क्यों भाई, सुना कि नहीं सुनी ये सब चीजें? आपने यस सर लिखा ना, तो यही तो वो कहने, क्या पेशेंट अपनी लैंग्वेज में तो सिख तो नहीं बोलेगा डिल्यूजन सिख हूं मैं, कह तो वो सीख ही रही है। अब बात क्या होती है कि अब हमारी आंखें, हम अपनी आंखों से उस पेशेंट की, पेशेंट ने कुछ बोला, देखो डॉक्टर साहब जान नहीं रही मेरे शरीर में, देखो की हाल हो गया, देखो स्किन, देखो हाल, देखो डॉक्टर साहब ए गड्ढे देखो पंजरे, ए देखो गड्ढे, ये देखो आंखा निकल आई, ऐसे भी कोई आपको बोलेगा आकर? डॉक्टर रेणु को वहां पे होंगी, प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, क्या कभी किसी पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब देखो आंख में जो कल्ले गड्ढे पड़ गए, डॉक्टर साहब देखो डॉक्टर साहब स्किन देखो ये झुरिया पे गई, झुरिया ये देखो डॉक्टर साहब, ये देखो की हाल हो गया, हफ्ता का हाल देखो, ये सुना किसी ने ऐसा पेशेंट ने किया हो? कॉमन सर, देखिए हम लोग कॉमन चीजें तो सुनना चाहते हैं पेशेंट से, लेकिन वो कॉमन है तो उसके दिल के दर्द है, उसका दिल का दर्द सुनो ना भाई, वो कॉमन। देखिए हमने क्या सीखा प्रैक्टिस के अंदर आके, मैंने, पेशेंट क्या करता है कि वो ना कुछ कॉमन बातें जो है ना वो सोचता है डॉक्टर को बताने की जरूरत क्या है इसके अंदर, इसमें डॉक्टर क्या कर लेगा, अगर मेरे डॉक्टर मेरे स्की मेरे काले गड्ढे पड़ गए हैं तो इसमें डॉक्टर ने क्या करना है उसको, वो बातें, क्योंकि हम लोग उसको ट्रेन करते हैं वो बातें बताओ, ना तो उसके पल्ले पड़ते हैं ना हमारे पल्ले पड़ती है, हम उससे कहते भी ऐसा करो, पहले बात है कि मैं पेशेंट को ट्रेन करता हूं, आपके मन में ना जो भी बात हो, जो भी चाहे कॉमन सी कॉमन ही हो, जो भी मन में आ रहा बता दे, मेरे को बता देना, आप उसमें कोई भी अपने से कोई वर्ड मत लगा देना उल्टा सीधा, या किसी के कहने पे मत बोलना, जो आपके मन में आता बस वही बोलना, जैसे आपके मन में आ रहा है कि यार दवाई खाने का क्या फायदा बता दो मेरे, हमें पेशेंट को एनकरेज करना है that he should tell you whatever the common feeling he has in the mind, उससे आप कामयाबी ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। अब जब पेशेंट ने ये कहा डॉक्टर साहब देखो स्किन देखो डॉक्टर साहब ये देखो लटक गई,
गड्ढे पे। अब बताइए ये कौन सा पेशेंट है, कौन से बीमारी का पेशेंट, इसको कौन सी दवाई दें? मैं आपको 2 मिनट में बता देंगे, आपका ना भला हो जाएगा, इससे आप पैसे भी कमा देंगे, फटाक से पैसे कमा के अमीर हो जाएंगे, वेल्थ में चले जाएंगे अगर पुअर में हो तो। जैसे पुअर क्या होता है, रास्ता पेशेंट ही नहीं आते, देखते रहे सारा दिन, 4 पेशेंट ही आते, 4 तो आते हैं बहुत है, 4 से तू कम यार 500 रुपया तो कमा लेता दिन में, लो डॉक्टर साहब 500 रुपये कमा के फायदा की फिर है, लखा रुपये पढ़ाई बीच खर्च कर दीते, लाख रुपये तो पढ़ाई में लगा दिए, कमाए 500 रुपया रोज का डॉक्टर साहब, नहीं फिर घर जाके क्या शक्ल दिखाए, क्योंकि ऐसे भी होगा कि नहीं होता कभी मन में, देखो सामने बैठे हैं, खुल के बात करने वाली बात है ये, हमारे साथ भी ऐसी घटना घटाई है, तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना घटती है तो आप कहीं ना कहीं अपने को पूर्व सोचना शुरू कर देते हैं। और जो लोग 2000, अच्छा कई लोग 500 रुपया कमा के सोचते हैं यार मजा आ गया भाई साहब 500 रुपया कमा लिया, वो वेल्थ में चले जाते हैं। ठीक है, इस पेशेंट को हम क्या कहेंगे जो ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो रास्ता बड्डे, देखो रास्ता काली पै गई इसकी, पहले रास्ता की मजेदार है स्किन ना ब्राइट सी, मेरी मजा आता सी रास्ता देख के, कोई दूर न देख के कहते चमक सी, उन रास्ता सारा काला हो गया, देखो साथ में देखिये डिल्यूजन के ही रूब्रिक मैं आपको कितना दिखा जा रहा हूँ, तो मैंने इमेजिन से ही बाहर नहीं आया। देखिए इसमें हमारे पास रूब्रिक है, एक में बॉडी थी और एक है एक ये रूब्रिक है, देखिए डिल्यूजन, 2 रूब्रिक है बेटा इसमें, एक थुजा में है और एक सल्फर में है, एक है डिल्यूजन, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग थुजा, डिल्यूजन बॉडी जो है वो थिन है, और एक है थिन इज गेटिंग, 2 है, एक के एक को तो लगता है, जैसे थुजा क्या है बेटा, थुजा का माइंड क्या है बताइए, थुजा का माइंड क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा, जो जिसने थुजा पढ़ी होगी आप लोगों ने ऑलरेडी सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आराम से थुजा पढ़ी होगी, ब्रिटल नेस, वेरी गुड वीर, अच्छा है, ही थिंक्स ही इज ब्रिटल, वेरी गुड, सैडनेस, और बताओ, देखो थुजा को लगता है वो फ्रेजाइल है, जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, उसको लगता है वो टूट जाएगा जल्दी से, खोखला है, खोखला उसको अपने अंदर से खोखलापन लगता है, तो उसको क्या किया मटेरियल मेडिका से रेपर्टरी में, खोखलापन, ब्रिटल है, टूट रहा है, फ्रेजाइल है, कौन सी चीज जो है वो टूट सकती है, ठीक है ना, हमारे पास कौन सी चीज है जो टूट सकती है, जब हम हमें ऐसा लगेगा कि हम फ्रेजाइल हैं जल्दी से टूट सकते हैं, तो हमारे अंदर बॉडी, हमें लगता है कि जो हमारी बॉडी है ना डॉक्टर साहब वो इतनी कमजोर है डॉक्टर साहब कि वो लकड़ की बनी हुई है, वो टूट जाएगी, तो उसको उन्होंने रूब्रिक में डाल दिया, बॉडी इज थिन, बॉडी इज थिन, बॉडी इज थिन का मतलब पेशेंट कैसे बोलता थूजा का, डॉक्टर साहब आपको ना आपको लगेगा कि मैं हट्टा कट्टा हूँ शरीर से, आपको लगेगा कि मैं ना बहुत ही मोटा हूँ और मैं 4 आदमी को तो वैसे ही मार दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को अंदर से पता है कि मैं कितना खोखला हूँ, और उससे पहले मैं आपको कहना पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई पेशेंट जब आपको बोलेगा या ऐसा किसी ने सुना हो, डॉक्टर साहब आपको ना शरीर से ऊपर से लगता होगा कि डॉक्टर साहब इसमें बहुत जान है, ये तो बॉडी बॉडी बड़ी अच्छी है इसकी, लेकिन अंदर से डॉक्टर साहब मैं बहुत खोखला हूँ, मतलब इतना मैं कमजोर हूँ कि अगर मेरे को कोई जरा सा भी कोई बोल देगा ना तो मुझे लगता है कि मैं वहीं टूट जाऊंगा, है ऐसा सुना किसी ने, कोई ऐसा सुनता है कि जो पेशेंट ऐसा बोले कि डॉक्टर साहब मैं ऊपर से आपको लग रहा हूँ हट्टा कट्टा हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं होगी, डॉक्टर साहब अंदर से मुझे पता मैं कितना खोखला, तो वो थूजा है। अब देखिए आप थूजा कैसे भी माजमेटिक ड्रग पढ़िए, लेग मेड ऑफ वुड्स, हाँ ये जो सेंसेशन है, ये सेंसेशन है, ये रियलिटी नहीं है, उसको लगता है कि मेरी जो टांगे है ना कांपनी शुरू हुई थी, डॉक्टर साहब जरा सा, अब मैं हूं तो मोटा, जैसे मैं अंधेरे में कहीं जा रहा हूं तो सामने से अगर कोई मुझे परछाई भी दिख जाएगी ना डॉक्टर साहब तो मुझे लगता है कि मैं टूट जाऊंगा, जैसे मेरी टांगे जो है ना वो पैर की वो ना असली नहीं है, लकड़ की बनी हुई है। अब देखो ये पेशेंट आपको ऐसे नहीं बोल देगा आखिर कि डॉक्टर साहब देखो मैं इसलिए आपके पास आया क्योंकि मेरी टांगे जो है ना वो लकड़ की बनी हुई है या मैं ग्लास का बना हुआ, ऐसा नहीं बोलता, हम उसको पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, तो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं अंदर से खोखला हूँ, तो खोखले को हम इसको खोखला वही हो सकता है जो अंदर से अपने में कॉन्फिडेंस ना हो, हमने जवानों को दे रखी है, बॉडी बिल्डर्स को दे रखी है, मोटे मोटे हट्टे कट्टे लोगों को दे रखी है थूजा, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो आपको अपनी ही बॉडी पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, देखो आप क्या लगा रहे हो, आप रियलिटी लगा रहे हो, आप लगा रहे हो हाँ एक ओल्ड आदमी है, एक एजेड है, उसकी तो टांगे कांपेंगी कांपेंगी, ये डिल्यूजन नहीं है, डिल्यूजन तो उसके लिए है जो है तो हट्टा कट्टा अपने को, लेकिन वो सोचता है कि मेरी डॉक्टर शरीर में जान नहीं है,
जिसके पास शरीर में जान है ही नहीं तो वो तो सही तो कह रहा है, वो शरीर में जान नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है मैं जब दूसरों को देखता हूँ। देखिए, समझना कि पेशेंट की भावना अपनी बीमारी को लेके अपने शरीर से कैसे जुड़ गई, भावना और शरीर ये दोनों एक साथ कैसे जुड़ गए। अब वही इंसान है जिसको दूसरे लोग, देखिए किसी को, उसकी बीवी को, उसके घर वालों को, उसके बच्चों को लगे डॉक्टर साहब हमें तो ठीक दिखता है, पता नहीं रोता रहता है, ये कहता रहता है कि पता नहीं डॉक्टर मेरे अंदर खोखलापन है, मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर जान नहीं है, हमें डॉक्टर चाय तो रोटी खाता है, घी में चुपड़ी चुपड़ी रोटियां खा जाता है, और इसलिए खाता है कि मेरे में जान नहीं है, मैं 6 लड्डू खा जाता फिर भी कहता है मेरे में जान नहीं है। तो ये इसको कहते हैं डेलूजन, उसका डेलूजन हो गया कि मेरा शरीर कमजोर है, जबकि वो इसको कन्विंस नहीं कर सकता। व्हाट इज ए डेलूजन? व्हेन यू आर नॉट एबल टू कन्विंस द पीपल अराउंड यू दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर हियरिंग इज रॉन्ग, वो आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आपको डेलूजन में डाला जाता है। हम डालते हैं, जैसे मैं पेशेंट से पूछता हूँ, भैया लगता है तो तुम यार हट्टे कट्टे से हो, कह रहे हो कि मेरे शरीर में जान नहीं हो, ऊपर से कह रहे हो 2 किलो दूध पी जाता हूँ भैंस का, साथ में 6 रोटी भी खा जाता हूँ। अगर पर्सन दिखने में अच्छा बिल्ड का हो बट उसे बॉडी में वीकनेस लग रही हो तो क्या वो सूजा? हाँ, हाँ, बात क्या है कि पेशेंट इसको कहते हैं डेलूजन, वो अपने अंदर के शरीर, अब ये बाहर का शरीर, हमने बाहर के शरीर को देखा, वो अंदर के शरीर की बात कर रहा है, आप सोच रहे हो वो बाहर के शरीर की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे बिग पैक्स देखो, 12 पैक देखो, मेरी हड्डियां देखो, मेरे डोले देखो, मेरे बाइसेप्स देखो, ये नहीं कह रहा। वो ये कहता है डॉक्टर साहब देखने वाले को लगता है कि मैं बाहर से बड़ा अच्छा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, और मैं ना 2 आदमी को पटक सकता हूँ एक ही बारी में, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को अंदर से पता है कि मैं मेरे अंदर कितनी अंदर से कितना कमजोर हूँ, हिला हुआ हूँ मैं अंदर से, अगर मेरे सामने कोई 2 गाली भी दे देना। ये हमने रूब्रिक किस पे लगाए? पहलवानों पे लगाए, ऐसे ऐसे पहलवान जो कि डिप्रेशन में चले गए। डॉक्टर साहब मेरी बीवी मेरे को ये ना ताने देती है कि डॉक्टर साहब क्या वो अंधेरे में मेरे को एक बार ये डॉक्टर अचानक ही हो गया, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं था, कभी भी ऐसे नहीं था पेशेंट, एक बार मेरी बीवी ने कहा जरा भाप देना खटका हुआ, और मैंने कहा मैंने जाता है तू ही देख ले, और उसने कैसे मर दो मैं रोज तो तुम 4 किलो दूध पी जाते, तुमसे ये नहीं होता जाके देखो, और नहीं भैया मेरे से नहीं होता, पता नहीं अंदर मेरे को तो हाथ पर कांपने लग गए। यहाँ पे जब पेशेंट आता है आपके पास वो इस दुख से आया है कि डॉक्टर मेरे को लग नहीं रहा शरीर में, मुझे ऐसा लगता कुछ शरीर में लग नहीं रहा, अंदर से शरीर कमजोर हो गया है, ये तो आपको सुनने में आएगा ना, शरीर में कुछ लग नहीं रहा, जो भी खाता हूँ वो लगता नहीं है मेरे अंदर, तो अंदर का जो शरीर है वो मुझे लगता है लकड़ का है, हजम मुझे लगता है कि कोई चीज जो है ना प्रॉपर हजम नहीं हो रही, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। अब मैं इससे अच्छा और क्या दूं आपको एग्जाम्पल, अब मैंने आपको सल्फर सूजा बता दी, अब बताते हैं सल्फर के बारे में, सल्फर का क्या प्रॉब्लम है, डेलूजन में पड़ा हुआ सल्फर, आपने शायद डेलूजन में सल्फर हमने जब पढ़ा था रैगेड फिलोसफर, हम तो वही पढ़ के निकल आए, हमें तो आता कोई फिलोसफर ऐसा रैगेड भी नहीं मिला, ना कोई पहाड़ी वाला मिला, ना कोई फिलोसफर मिला, हमें तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे फर्स्ट क्लास टाई वाई लगा के सुंदर सेंटिमेंट परफ्यूम लगा के सल्फर आए थे हमारे क्लिनिक में, तो हमने तो आज तक कभी सल्फर ऐसा देखा नहीं जिसकी दाढ़ी जो है आधी कटी हो आधी ना हो, आधी मूछ हो आधी ना हो, आधी शेव इधर से हुई आधी ना हो, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। ठीक है, बीमारी में ऐसे लोग हो सकते हैं। अब देखिए हम एक बीमार सल्फर की बात करते हैं, हमने सल्फर के बारे में माइंड में ये है तो सर मैं वेबिनार को मैंने पाठशाला बना दी आप लोगों के लिए, अब चलते हैं सल्फर के ऊपर। बेटा सल्फर के बारे में बताइए आपका क्या आइडिया है, क्या अभी तक आप कॉलेज में सल्फर के बारे में सीखे, और आपको क्या लगता है सल्फर का पेशेंट कैसे आएगा क्लिनिक में आपके पास, कैसा होगा, कैसा बैठेगा, क्या उसके माइंड है, जो भी समझा है लिखिए, करो पार्टिसिपेट करो बेटा, इससे आपकी जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तो कम से कम ही थिंक्स इज ए ग्रेट पर्सन। तो आप 4th प्रोफेशनल में हो, फ्रिवोलस, यस सर, वेरी गुड, मनिक स्वामी ने लिखा फ्रिवोलस है, ठीक है, और क्या लिखा बेटा और बताओ, इट्स इरेक्ट, इगोटिक, वेरी गुड, क्या है सल्फर, इगोस्टिक है, सिट एज सून एज सी द सीट, स्टैंडिंग द वर्स्ट पोजीशन, बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट लेवल में बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। देखो सल्फर के अंदर ना सबसे बड़ी चीज है बेटा, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूं। देखिए पहली चीज है सल्फर के अंदर कि वो वेल्थ वेल्थ इमेजिनेशन है उसके अंदर, सल्फर के अंदर इसकी जर्नी ना वेल्थ से शुरू होती है, ठीक है,
सल्फर की जर्नी वेल्थ से शुरू होती है। ये हमेशा अपने आप को सोचता है कि डॉक्टर साहब को डरने की बात तो है नहीं, ऐसा है मेरे को अपनी बॉडी में बहुत कॉन्फिडेंस है। अब जैसे एक पेशेंट है वो 10 दिन से बीमार है, आप उससे पूछते हो कि भाई तू 10 दिन से बीमार है, तू आया क्यों नहीं दवाई लेने 10 दिन से? और डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि मेरी ना बॉडी में ताकत बहुत है, वैसे अपने भी बहुत ताकत है डॉक्टर साहब, तो क्या होता है कि छोटी मोटी बीमारियां तो डॉक्टर साहब ऐसी ठीक हो जाती है, मेरी मेरी जो बॉडी है ना उसमें ताकत बहुत है। वो क्या होता है कि छोटा जुकाम हुआ 4 दिन 3 दिन तो मेरी बॉडी तो वैसे ही इतनी पक्की है कि वैसे ही वो निकाल लेती है। अब आपने सोचा यार ये वेल्थ कैसे हुई? ये वेल्थ तो है ना वो अपनी बॉडी की तारीफ कर रहा है। जो भी आदमी अपनी बॉडी की अपनी किसी भी चीज की तारीफ करता है उसको हम लोग डाल देते हैं वेल्थ में, सिंपल सी बात है। अब पेशेंट की जर्नी जो है सल्फर की वो शुरू होती है वेल्थ से, तो सल्फर समझता है कि वो है तो वेल्दी, इसलिए सल्फर फिर शुरू कहां फिर जाता कहां है वो वेल्थ के बाद, देखते हैं आगे इसकी जर्नी कहां है। वेल्थ से वो जाता है पुअर में, देखिए जब आ गया तो वो पुअर में आया है, नहीं आया था तो वेल्थ के अंदर नहीं आया था। जब तक पेशेंट के पास वेल्दी है, जब तक उसके पास पैसा है, जब तक उसके पास ताकत है, जब तक वो 40 साल का है, डॉक्टर साहब ऐसा था कि जब तक 40 साल के थे 45 साल के थे तो सोचा था यार ठीक है बॉडी में अपना जान होनी चाहिए, जान भी थी डॉक्टर साहब बॉडी में बहुत जान थी, लड़ लेते थे किसी भी बीमारी से, कभी कभी डॉक्टर साहब दवाई की जरूरत महसूस ही नहीं हुई मेरे को। अब डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी ना कमजोरी आने लग गई है शरीर में, पहले कमजोरी नहीं थी। अब देखो स्क्रिप्ट को लिख लेना, क्योंकि स्क्रिप्ट द्वारा मिलेगी नहीं आपको, मैं जो बता रहा हूँ इसको बिल्कुल लिख लेना। डॉक्टर साहब पहले ना ऐसे था कि 45 साल के थे 50 साल के थे, खा पीते थे मस्त मस्त रहते थे, डॉक्टर साहब कोई तकलीफ आ भी गई तो इतनी चिंता नहीं करते थे, ठीक है। अब वेल्थ के साथ क्या जुड़ जाएगा? सल्फर का फ्रिवोलस। देखिए दो रूब्रिक जुड़ेंगे सल्फर के, अब पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम इसमें से पहले पुअर को निकाल देते हैं, ठीक है, उसकी गरीबी निकाल देते हैं, गरीबी को बाद में डालेंगे, उसको गरीब बाद में करेंगे सल्फर को, पहले अमीर दिखाते हैं आपको सल्फर। अब ये हमारा जो सल्फर है ना ये अमीर है, ये अमीर सल्फर आया। अब सल्फर पहले अमीर आया था, ठीक है, हमने अमीर सल्फर क्या करता है वो इग्नोर करता है वेल्थ के साथ, अरे इतना पैसा था डॉक्टर साहब मैं सोचा घबराने की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, अभी तो रिटायरमेंट का टाइम भी नहीं था, नौकरी पक्की थी, 1.5-2 लाख कमाते थे, वेल्थ थी, अब ये छोटी मोटी समस्या हो गई तो सोचा चल कोई नहीं निकल जाएगी। यहां तक तो जर्नी उसकी ठीक हो गई, ठीक है। अब हम यहां से चलते हैं कि जब वो आ गया हमारे पास, आया तो वो पुअर में ना वेल्थ में तो आया ही था, ये तो हमने पूछ लिया कि भाई पहले क्यों नहीं आए थे, पहले सो रहे थे इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे, अब आने का कारण सल्फर आपके पास आता क्यों है, ठीक है, क्यों आता है सल्फर, ये आपको याद रखना है बस। सल्फर कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा था कि भाई पहले पैरों में दर्द, कभी बुखार, कभी खांसी, ये छोटी मोटी चीजें लगी रहती थी। अब डॉक्टर साहब मेरा हो रहा है रिटायरमेंट का टाइम पास में, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से थोड़ी सी कमजोरी सी लगने लग गई है, कमजोरी हाथ पैर में थोड़ी सी कमजोरी, हिल नहीं रहे हाथ पैर, थिन, ठीक है। सल्फर को लाने वाला होता है रूबिक थिन, जब तक सल्फर के अंदर थिन नहीं होगा सल्फर आपके पास नहीं आएगा कभी भी। वह मेरे को क्या लगा, अब थिन की भाषा समझिए, थिन आदमी किस किस चीज में होता है थिन, ठीक है बेटा। अब हम चाहते हैं थिन की भाषा जानना चाहते, जैसे मैंने सिक की भाषा आपको बताई, अब आप मेरे को बताओ थिन किसको कहते हैं, थिन किस किस को कहेंगे, क्या चीज थिन होती है आपकी? बिल्कुल ठीक है, जब थोड़ा सा फ्लैश रह जाए बोन्स में, ठीक बात है। और बताओ बेटा, देखो एक तो हो गया वर्ड डेल्यूजन, ठीक है, तो पेशेंट को ये लगने लगता है कि डॉक्टर साहब जैसे जैसे, अब देखिए पेशेंट की भाषा समझाता हूँ आपको, डेल्यूजन उसका क्या है, उसको ये लगने लगता है डॉक्टर साहब अब ना मेरी उम्र होने वाली है, ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग पता नहीं कल को याद रखोगे कि नहीं। देखो पहली लाइन पेशेंट क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको लिखनी है, अरित कौर बेटा ठीक है, अब तुम थोड़ी सी मेरी भाषा को समझो, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहली रीत आपको करना है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब अब मैं मेरी उम्र होने वाली है, ठीक है, ऐसा पेशेंट बोल सकता बोलेगा आपको, ठीक है, एडिंग एज है डॉक्टर साहब 55 साल के थे, एक शॉर्टली, देखो मैं मेहनत करके आपको लिख के भी देता हूं, शॉर्टली आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड,
रिटायर, शॉर्टली आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड। नौसा फिर अभी एज भी होने वाली है और थोड़े दिनों में मैं रिटायर भी होने वाला हूँ। हो गया, दो चीजें हो गई। अब यहाँ मैं आपको वेल्थ नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे उसकी थिनिंग दिखा। ये देखो ये लाइन आ रही है, इसको पढ़ो। अब डॉक्टर क्या हो रहा है, एज के साथ साथ जैसे जैसे एज हो रही है मेरे को थोड़ा थोड़ा सा कमजोरी लगने लग गई है अपने कुछ दिनों से, ठीक हो गया। अब ये कमजोरी डॉक्टर इतनी नहीं थी पहले, पहले क्या था ये जो कमजोरी थी ये 5% थी डॉक्टर साहब। फिर क्या हुआ कि मैंने महसूस किया कि पहले 3-4 महीने पहले 5% कमजोरी हो गई, फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब 10% कमजोरी हुई। पेशेंट महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब 20% कमजोरी हो गई। अब आज के डेट में पेशेंट जब आपके पास आया है कमजोरी जो है वो 20% हो गई है, यहाँ से उसी घंटी बजी। डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं दिन ब दिन जो हूँ डे बाय डे थिंक किसको कहेंगे, डे बाय डे आई एम लूजिंग माय पावर। दिन ब दिन मेरी पावर कम होती जा रही है, ठीक हो गया बेटा। इसको कहेंगे हम लोग थिन, और साथ में थिन किस चीज को कहेंगे, थिनिंग होती है रिसोर्सेस को, थिनिंग किसमें होगी। देखिए पहली बात थिनिंग कैसे होती है, थिनिंग को खाली बॉडी से मत कंसर्न करिए, ठीक है। थिनिंग होती है रिसोर्सेस, जैसे डॉक्टर साहब क्या हुआ कि जब बीमारी नहीं थी तब बैंक में पैसा था तो जो बैंक में पैसा होता है वो हम जमा करा देते थे, कभी डॉक्टर साहब बैंक से पैसा निकाला ही नहीं क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ था खाने के लिए, जो नौकरी से पैसा आता था उसी से सारा खा लेते थे, जो बाकी चीजें थी वो बैंक में जमा हो जाती थी आराम से ये सोच के भी बुढ़ापे में काम आएंगी, तो कभी बैंक गई नहीं, कभी पैसा निकाला ही नहीं। अब क्या हुआ कि जब से कमजोरी हुई है तो जो पैसा आता भी है ऑफिस से उसके बाद भी थोड़ा पैसा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि अब उतना जो हम जैसे मैं बाजार गया तो पहले मैं पैदल ही बाजार चला जाता था सामान लेने के लिए, अब रिक्शा करना पड़ता है। पहले ऑफिस से आते थे तो जवानी थी तो कैसे भी बस में धक्के खा के आ जाते थे, अब हिम्मत नहीं है तो कभी टैक्सी करनी पड़ जाती है। अब जो इनकम थी वो अब पूरी नहीं पड़ती, अब क्या हो रहा है कि बैंक से पैसा भी निकालना पड़ रहा है। अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये भी पतला हो रहा है मनी। तो थिन आप कैसे होते हो भारद्वाज जी, आप होते हो मनी वाइज, थिन कैसे होते हो पावर वाइज। डॉक्टर साहब उतना रोक नहीं रहा, धीरे धीरे डॉक्टर साहब को सुनता भी नहीं है, थिन हो गए हैं। थिन रिसोर्सेज में आपके रिसोर्स कम हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बच्चे थे, अब डॉक्टर साहब बच्चे भी चले गए, कोई है ही नहीं देखने वाला। अब रिसोर्सेस कम हो जाने से क्या होगा, सल्फर को क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, सल्फर वेल्थ हमने शुरू करी स्टोरी कहां से, वेल्थ से गए थिन में। तो जब पेशेंट जो हमारे पास आया वो थिन में आया क्योंकि उसके पास वेल्थ अभी है, लेकिन वेल्थ उसको लग रहा है डेलूजन, थिन इज गेटिंग मतलब अब रिसोर्सेज जो है डेलूजन क्या है, डेलूजन थिन इज गेटिंग तो वेल्थ से गेटिंग में आ गया धीरे धीरे। रोशन मेरे को लग रहा है कि ताकत जो है शरीर की कम होती जा रही है दिन ब दिन, ये याद जरूर रखना दिन ब दिन। अगर ये वर्ड नहीं बोले पेशेंट तो सल्फर मत लगाना, डे बाय डे जरूर बोलना है सल्फर को, डे बाय डे मेरी जो इनकम है कम होती जा रही है, डे बाय डे मेरी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, डे बाय डे दिन ब दिन झुर्रियां पड़ रही है, दिन ब दिन काला होता जा रहा हूं, दिन ब दिन स्किन सिकुड़ती जा रही है। ये जो वर्ड हमने आपको दिए हैं बेटा इसको नोट कर लेना, लिख लेना क्लिनिक में जाकर कहीं बाहर भी, कि ये वर्ड नहीं छूटना चाहिए डे बाय डे, ये छूट गया तो सल्फर कहीं हाथ से आपकी, ये सल्फर की इंडिकेशन है। अब बताइए किसी मटेरियल अमेरिका में किसी रिपर्टरी में नहीं लिखा, ये हमारी अपनी 35 साल की प्रैक्टिस की देन है जो मैं आज आपको दे रहा हूं, क्योंकि हम ये सोचते थे ये दिन ब दिन क्या होता है डॉक्टर साहब दिन ब दिन। अब बताइए क्या आपने ये वर्ड सुने दिन ब दिन के, हाँ या ना, डॉक्टर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ, दिन ब दिन डॉक्टर साहब पावर नहीं रही। देखो मैंने वर्ड क्या दे दिया, सल्फर आपको इतनी बड़ी सल्फर, इतनी बड़ी सल्फर को मैंने इतने में समेट दिया कि तीन वर्ड में है ना, दिन ब दिन बस। अब जब पेशेंट ने बोला कि दिन ब दिन डॉक्टर साहब मेरे को लग रहा है टांगे कमजोर हो रही हैं, दिन ब दिन मेरा दिमाग कमजोर हो रहा है डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब दिमाग ही काम नहीं कर रहा, पहले डॉक्टर साहब दिमाग बड़ा चलता था मेरा तो, डॉक्टर अब ऐसे लग रहा दिन ब दिन कमजोर हो गया। ये चीज पेशेंट को लेके आती है जब उसके दिमाग में ये आता है कि थिन इज गेटिंग डेल्यूजन। अब देखिए उसने ये तो नहीं कहा भ्रम है, ये तो नहीं कहा कि फॉल्स इमेजिनेशन, तो ये रियलिटी है उसके साथ, ये घटना घट रही है उसके साथ। लेकिन हाँ उसने इसको एक बिंदु बना लिया है लाइफ का, ये गलत हो रहा है उसके साथ। ठीक है यहाँ थोड़ा सा वो एग्जरेट कर रहा है, डॉक्टर साहब पहले मेरी ना ताकत बहुत थी डॉक्टर साहब बहुत, ये भी डेल्यूजन है भैया, बहुत कितनी, पहले किंग कॉन्ग थे क्या जो अब बिल्कुल सिकुड़ के हड्डी हो गए हो, ऐसा दिखता नहीं है हमें, नहीं दिखता बट पेशेंट को दिखता है। अब बात क्या कि यहां तक जब पेशेंट पहुंच गया तो उसकी सल्फर की अगली जर्नी शुरू हुई। अगली जर्नी कौन सी हुई जो सल्फर को डरा रही है? अगर ये दिन ब दिन पेशेंट जो है, देखो एक पेशेंट की जो ताकत है, मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूं, होम्योपैथी में मैथमेटिक्स होम्योपैथी में 100% एनर्जी थी पेशेंट के पास 10 साल से 20 साल से बचपन से मजे से घूम रहा था खा पी रहा था। क्या हुआ करते 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 जब वो आज आपके पास आया है तो उसके पास जो एनर्जी है वो अभी भी 75% जो एनर्जी है वो है उसके पास, लेकिन उसको लग रहा है ये 25% जो एनर्जी कम हो गई है, कितना लॉस हुआ उसका, लॉस कितना हो गया 25% का लॉस, मैथमेटिक्स करो ना भाई, 25% का लॉस हो गया उसको। अब 25% का लॉस ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि रौसा मेरे को तो ये पहले जो है 3% कम हुई थी, फिर 10%, अब 25% तक मैं पहुंच चुका हूं कि जब मेरे को ताकत जो है मेरे हाथों में, ऐसा लग रहा है रौसा उतनी ताकत नहीं रही, रास्ता है तो अभी भी वेल तो है बट उतनी नहीं रही। तो हमारे को वर्ड हिंदी में क्या आएगा उसको भी लिख लेना बेटा, लिखोगे तो शायद कुछ बन जाओगे, उतनी नहीं रही ये भी लिख लेना रास्ता, ताकत ना मुझे लगता उतनी नहीं रही रास्ता जितनी थी, इतनी वेल्थ थी ना, वेल्थ इतनी वेल्थ थी, अब ऐसा लग रहा रास्ता उसमें इतनी रह गई, थोड़ी सी सिकुड़ गई तो इतनी सी रह गई है रास्ता, ठीक हो गया। बताओ जी मेरे पास क्या करने आए हो, डॉक्टर मैं चाहता हूं कि आप मेरे को ऐसी दवाई दो, ठीक है ना, पेशेंट क्या चाहता है ऐसी दवाई दो डॉक्टर साहब जिससे कि मैं वापस से 100% पहुंच जाऊं। चलो ठीक बात है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर डर है अगर मेरे को मैंने आज इलाज ना कराया और मैं आपके पास आज नहीं आता तो ये जो ताकत है जो गिर रही है, ये गिरते गिरते मुझे लग रहा था कि ये इतनी गिर जाएगी कि मेरे को खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। लाइन है सल्फर की, सल्फर को ये डर लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे को अब ये लग रहा है ये जो कमजोरी है ना मेरे को कहीं बिस्तर पे ना डाल दे। बताइए ये आपको सुनना है सल्फर के बारे में, किसी ने सुना, ये नहीं सुना तो सुनोगे आप डॉक्टर साहब मेरे को उसको वो कहता है सल्फर क्या कहता है, मेरे को तकलीफ का कोई डर नहीं है, मुझे खांसी से कोई डर नहीं है, मुझे नींद से कोई डर नहीं है, मुझे पेन से कोई डर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को जो डर लग रहा है कि अगर ये कमजोरी ऐसे ही दिन ब दिन गिरती गई तो किसी दिन मैं बेड रिडन ना हो जाऊं। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप ये सुनोगे ना किसी पेशेंट से डॉक्टर साहब मेरे को खांसी की कोई चिंता नहीं है, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे को खांसी है, मेरे पेट, देखो हम तो सल्फर देते हैं गैस के लिए, गैस बन गई सल्फर दे दो, क्यों भाई गैस के लिए सल्फर दी जाती है, सल्फर वो तो गैस, मैंने भी पढ़ी कॉलेज में, लेकिन सल्फर गैस के लिए नहीं आया मेरे पास कभी भी, गैस उसको बनती है लेकिन वो आता इसलिए कि गैस की वजह से उसको वीकनेस लगने लग गई है शरीर के अंदर, हम उसको गैस की दवाई समझ के दे देते हैं, वो काम कर जाती होगी पता नहीं कैसे मटेरिया मेडिका में, लेकिन सल्फर का जो प्रैक्टिकल रूप है, प्रैक्टिकल रूप क्लिनिकल रूप जो है वो कमजोरी से शुरू होता है और थिन पे चला जाता है। ये कि पेशेंट सल्फर क्या कहना चाहता है वो तो सुन लो बेचारे की, आपको सल्फर दे रही है दे दो शौक से दो कोई बात नहीं है, आप पूछ लेना कि भाई तुम गैस के लिए दवाई लेने आए हो या कोई और समस्या थी, तो वो फिर आपसे कि सल्फर अगर होगा तो बोले सर गैस समस्या नहीं है मेरी, गैस तो मेरे को बचपन से बनती है 20 साल हो गए गैस बनते हुए, तो लेकिन समस्या ये आ रही है कि मैं आया इसलिए कि भाई मेरे को ना कुछ कमजोरी हो रही है, आपने पूछा क्यों आया तो मैंने गैस बोल दिया, समस्या गैस की नहीं है इतनी, समस्या ये है कमजोरी की, ठीक है बेटा अब ये बात समझ गए होगे। अब यहां से तीसरा पहलू सल्फर का आता है, पहले वेल्थ फिर थिन अब आ रहा है फिर पुअर, अब आ गया जो लास्ट पिलर है सल्फर का जो सल्फर को डरा रहा है फियर ऑफ पॉवर्टी, ये बाद में
देखिए यहां से हम फियर पे चले गए, डेलुजन से, फियर ऑफ पॉवर्टी। अब हमने आपको वर्ड दिया पुअर और वर्ड दिया पॉवर्टी, सल्फर पड़ी है इसके अंदर। सल्फर शुरू हुआ था वेल्थ से, फ्रिवलस से प्लस नंबर वन, फिर शुरू हुआ पुअर से, थिन से नंबर टू। अब लास्ट में उसको आ गया दिमाग में कि डॉक्टर साहब बेड रिटर्न ना हो जाऊं। अब डॉक्टर साहब अगर मैं बेड रिटर्न हो गया, ठीक है, अब देखिए किसी की स्टेट ऑफ माइंड मैं आपको अब ये समझाना चाहता हूं, आप अपना सेल्फ कैपेबल हो, ठीक है, जिंदगी में मैं आपके साथ कब तक जुड़ा रहूंगा मुश्किल है। अब आपको ये समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप ये समझ गए तो शायद आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब ये बताइए कि अगर एक पेशेंट ये कहता है कि मैं बेड रिटर्न हो जाऊंगा, बेड रिटर्न हो जाऊंगा, तो उससे उसका क्या होगा, ये कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। बेड रिटर्न हो जाने के बाद जो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं बेड रिटर्न नहीं होना चाहता, डॉक्टर साहब मैं बिस्तर पे नहीं पड़ना चाहता, डॉक्टर साहब क्या हो जाएगा बिस्तर पे पड़ जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा पेशेंट की। अब यहां से डॉक्टरी शुरू होती है आपकी, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा। वो तो हम भी कह रहे हैं हो जाएगा तो क्या मुसीबत है, हो जाओ मजे करो, डिपेंडेंट होने में क्या प्रॉब्लम है भाई। बच्चों तुमने बच्चों का 50 साल तक किया है, अब 20 साल उनको भी सेवा करने दो। आप सल्फर को ऐसे बोलो, अरे 10-20 साल जरा मजे करो, बच्चों को करने दो, स्केयर नॉट टू वर्क, ओके। और चलो कुछ अन नहीं कर पाएगा, यही डरा रही है उसको कि डॉक्टर साहब मैं कल बेड रिडन पड़ गया, अभी तो मेरे हाथ पैर में थोड़ी बहुत तो जान है, गिर तो रही है, कमजोरी तो आ रही है दिन ब दिन, फिर भी अभी हाथ पैर चला रहा हूं मैं किसी तरीके से हीट होकर। लेकिन मेरे को तो डर ये है कि भैया ये कमजोरी ऐसे रहेगी डॉक्टर साहब तो मैं तो बिस्तर पड़ जाऊंगा। तो भैया जब बिस्तर पड़ जाएगा तो रोटी कहाँ से खाऊंगा, समस्या आती है रोटी की। देखिए आने की तो हो गई, जो पेशेंट यूज करते हैं वो देखो रोटी कहाँ से खाऊंगा, तो आप भूखे मर जाओगे, रोटी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा भाई, भूखे मर जाओगे ना, पॉवर्टी हो जाएगी। तो अब ये पहले मैं आपको वर्ड की भाषा बहुत अच्छा है, हमारे पास दो वर्ड आज मैंने आपको बताए, एक पुअर और एक बताया आपको पॉवर्टी। बताइए पुअर और पॉवर्टी में क्या फर्क हुआ, मैंने आपको पहले पुअर भी समझा दिया, पॉवर्टी भी समझा दो आप। अब देखिए हम किसी भिखारी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पॉवर्टी में फियर ऑफ पॉवर्टी है, फियर है फ्यूचर में, फियर होता है फ्यूचर का। जिन्होंने लेक्चर पहले नहीं सुना है उनका ध्यान दें, जब पेशेंट कोई फियर की बात कर रहा होता है तो फ्यूचर की बात कर रहा, आने वाले कल के में, डॉक्टर आने वाला कल क्या होगा वो मुझे डरा रहा है, कल क्या होगा डॉक्टर साहब, आज तो ठीक है मेरा टाइम निकल जाएगा किसी तरीके से, अगर यही हालत रही, यही हालत रही डॉक्टर साहब तो कल क्या होगा, रोटी कौन खिलाएगा। फीलिंग ऑफ लूजिंग एनीथिंग ओन लैक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये पुअर है बेटा, क्या है पुअर मीन्स लैक ऑफ समथिंग, पुअर में थोड़ी सी कमी है, शॉर्ट ऑफ समथिंग। देखो बेटा अगर किसी को, आप लोगों को कभी भी ऐसे वर्ड के बारे में जानना हो तो हमारे पास एक बुक है, ठीक है, उसका नाम है पाथफाइंडर, ठीक है बेटा, ये जो पाथफाइंडर है ये इसलिए बनाई गई है रिपर्टरी को समझने के लिए। तो अगर आपको किसी को पाथफाइंडर की जरूरत हो तो इससे रिपर्टरी समझ जाओगे, ये जो वर्ड हम आपको दे रहे हैं वो इसी दे रहे हैं। एक होता है लैक, एक होता है शॉर्ट ऑफ समथिंग। अब पॉवर्टी का रूबरिक कहाँ मिलेगा हमें, रिपर्टरी में मिल गया, मैंने आपको दे दिया, ठीक है बेटा। हमने बहुत मेहनत करके किताबें बनाई, पढ़ी, इसलिए बनाई कि आप कोई भी किसी को प्रैक्टिस और रिपर्टरी पढ़नी हो तो देखिए पॉवर्टी बता दी हमने आपको। स्टार्विंग, स्टार्विंग का डर है बेटा उसको, उसको लगता है भूखे मर जाऊंगा, साहब इतना इतनी इतनी चीजें नहीं होंगी मेरे पास, तब क्या होगा, मेरे को घर का फर्नीचर बेचना पड़ सकता है, मेरे को FD तुड़वानी पड़ेगी तो कम हो जाएगा पैसा मेरे पास, आगे आने वाले टाइम में सिकुड़ता जाऊंगा। तो पॉवर्टी होती है सिकुड़ना, थिन होता है कम होना, पॉवर्टी होती है सिकुड़ता 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 सिकुड़ जाऊंगा डॉक्टर साहब, फिर मुझे सिकुड़ के रहना पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब मैं ये भी कह सकता अपने बेटे से, बेटा मेरे को जूस पीना है, बेटा मेरे को सूप पीना है, जो आज जो लग्जरी है डॉक्टर साहब वो भी चली जाएगी सारी की सारी, ये सब लग्जरी में तो डॉक्टर साहब बेचनी पड़ेगी, AC बेचना पड़ेगा, TV बेचना पड़ेगा, डॉक्टर साहब यहां तक नौबत आ जाएगी। सल्फर कहाँ चला जाता है, स्टार्विंग में घुस जाता है, और इसके बाद कहाँ आता है सल्फर की दिमाग में, कहाँ घुसता है, रूब्रिक आ रहा है यहाँ पे डेलूजन के अंदर, एक और रूब्रिक आपको दे रहा हूं, डेलूजन फैंसी दैट ही वुड कम टू वॉन्ट, डॉक्टर साहब हाथ फैलाने पड़ जाएंगे लोगों के अंदर, वॉन्ट हो जाएगा, हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी, डॉक्टर साहब वो मैं नहीं कर सकता, मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता डॉक्टर साहब,
मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा कभी किसी के आगे। ये यहां तक पहुंच गई जर्नी अब सल्फर की, वांट में आ जाएगा, स्टार हो जाएगा, भूखे भूखे मरने की नौबत हो जाएगी डॉक्टर साहब। और मेरे डॉक्टर साहब अब देखिए यहाँ पे सल्फर क्या कहना चाहता है, डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहता कि ये हो कि मैं अपने बेटों से, डॉक्टर साहब मैंने आजकल अपने बेटों से मांगा कुछ नहीं, 60 साल की हो गई हूँ, 70 साल की हो गई हूँ, आज भी डॉक्टर साहब मेरे पास जो मेरा है ना मैं अपने दम पे जी रही हूँ, अपने दम पे। देखिए कितना ईगो है, यहाँ पे आ गया पेशेंट का ईगो, सेल्फ ईगोटिज्म, सल्फर, सेल्फ एस्टीम, सल्फर जीता है सेल्फ एस्टीम से जीना। डॉक्टर साहब जियो तो डॉक्टर साहब अपने पे जियो, अपने दम पे जियो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब बताइए ये चीजें तो आपने सुनी होंगी है बच्चों, सब बताओ प्रैक्टिस में जाओगे तो सल्फर को पहचान लोगे, अब तो मेरे ख्याल से अंधेरे में भी पहचान लोगे सल्फर को, तुम बताओ भाई पहचान लोगे अंधेरे में भी सल्फर को। अब तो सल्फर की ईगो देखो एक्चुअली में क्या है, ये मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रूब्रिक्स होते हैं, हमें इनको इकट्ठा पढ़ना पड़ता है बस, जैसे कि वेल्थ से गए फ्रिवलस हो गया, वहां से गए तो थिन में चला गया, थिन में आया तो पुअर में गया, पॉवर्टी में आया, स्टार्वेशन में चला गया। देखिए वो देख तो रहा है पुअर को, पुअर से वो दूर से अपनी दूरबीन से पॉवर्टी को देख रहा है, पॉवर्टी आ सकती है आई नहीं है, ईगो बीच में आ गई। डॉक्टर साहब अगर ऐसा हुआ ना तो डॉक्टर साहब मैं तो मरना पसंद करूंगी, नहीं डॉक्टर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, डॉक्टर आज भी जो है ना अपने दम पे जिंदा हूं, आज भी ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया मैंने। मेरा भाई बोलता है माँ भाई धन पैसे भेज दूं, मैं कहती हूँ भाई धन्यवाद तेरा पूछने का, लेकिन डॉक्टर सूखी रोटी खा लूंगी लेकिन पैसा नहीं मांगूंगी, आज तक कभी किसी से पैसा नहीं मांगा मैंने, आज तक हाथ नहीं फैलाया। और सल्फर क्या कहेगा आपको, कटोरे में पेपर पे लिख के देगा कि मैं सल्फर हूँ, यही तो भाषा है बेचारा बता रहा है कि मैं सल्फर हूँ, डिल्यूजन में कितने सारे डिल्यूजन वो दे रहा है, ईगो उसको खा रही है, ईगो के आगे तो वो हाथ नहीं फैला सकता किसी के आगे। तो ये है ईगो किसको, देखो कोई पेशेंट बच्चों आपको ये नहीं कहेगा डॉक्टर साहब मेरे अंदर ईगो बहुत है, शायद हल्का कभी किसी ने कहा हो, मैंने सुना नहीं है, भाषा ऐसी है। तो आपको ईगो कैसे लानी है सल्फर की, आपको ऐसे लानी है अरे तो क्या वो भाई ने अगर मदद के लिए कह भी दिया तो तू ले ले, बहन है उसकी, छोटी बहन है, ले लो मदद। कैसे ले लो डॉक्टर साहब, इज्जत होती है अपनी भी, कोई इज्जत होती है डॉक्टर साहब, भाई है कल को मेरी भाभी क्या कहेगी है, बहन बोझ है, नहीं डॉक्टर साहब फिर तो मैं उनके घर में क्या मुंह लेके जाऊंगी, कल को मेरी भाभी भी कहेगी दरवाजे बंद कर दो देखो मेरी नंद आ रही है भीख मांगने के लिए, डॉक्टर साहब आज भी मेरी इज्जत है उस घर के अंदर, जब जाती हूँ तो कुछ दे के ही आती हूँ डॉक्टर साहब, आज तक मैंने भाई से कुछ लिया नहीं है। आप ईगो समझ रहे हो, बोलो समझ में आई ईगो सल्फर की बेटा। अब देखिए सल्फर के अंदर सबसे बड़ी चीज एक और है, बहुत काम की चीज है सल्फर के अंदर, सल्फर बहुत जल्दी टूटता नहीं है ये याद रखना, सूजा टूट जाता है जल्दी से, सल्फर नहीं टूटता। आज आपको एक चीज आपको बताने वाला हूं सल्फर और सूजा के बीच में, सल्फर इतनी मोटी हड्डी है, इतनी मोटी हड्डी है कि वो टूटता कभी भी नहीं है। देखिए रूब्रिक आ रहा है यहाँ पे परसीवरेंस, देखिएगा इस रूब्रिक को परसीवरेंस आ रहा है सल्फर, सल्फर एक हड्डी है मोटी हड्डी, मेहनती है, टूटता नहीं जल्दी से, इलाज से भी नहीं टूटता। सल्फर क्या कहता है, सोच करो आपके पास एक सल्फर आता है, लिख लो इसको लाइन को, इस सब मैं आपको क्लिनिकल दे रहा हूं। एक पेशेंट आता है जो 10 साल से इलाज करवा रहा है, काफी होम्योपैथ को दिखा चुका है, दवाइयां खा चुका है, एलोपैथिक को दिखा चुका है, आयुर्वेदिक में भी दिखा चुका है, अब आपके पास आ गया 10 साल के बाद आ गया। अब आपने पूछा भाई आपने इतना इलाज करवा लिया, 10 साल से इलाज करा रहे हो तो कभी मन नहीं करता कि छोड़ दूं? अब पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं आपको सही बताऊं आज तक मैंने कभी डॉक्टर नहीं छोड़ा, डॉक्टर ने मेरे को छोड़ दिया, ये लाइन केवल सल्फर बोलता है, मैंने आज तक कभी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, यही हुआ है कि डॉक्टर ने मेरे हाथ जोड़ दिए, भाई साहब आप कहीं और चले जाओ मेरे से नहीं हो सकता, तब मैं डॉक्टर पर छोड़ के आया डॉक्टर साहब, अब मैं आज तक 9 डॉक्टर बदल चुका हूं लेकिन 9 डॉक्टर को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया कि वो इलाज नहीं कर पाए। इसको कहते हैं परसीवरेंस, परसीवरेंस कहते हैं लगन, डॉक्टर साहब ऐसा है इलाज तो मैंने करवाना है, ठीक तो मेरे को होना है, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तो पड़ जाऊंगा बिस्तर के ऊपर, तो ये मैं चाहता नहीं हूं। तो बात यह है कि अब मैं हो गया हूं दवाई खाते खाते 10 साल निकल गए, चिंता तो मेरे को डॉक्टर साहब हो रही है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर साहब अब बात यह है कि इलाज तो करवाना है चाहे कैसे भी हो, क्योंकि अब कमजोरी जो है वो और बढ़ती जा रही है दिन ब दिन,
पहले कमजोरी इतनी नहीं थी। तो आपको पता चल जाएगा ये जो भाषा है ये सल्फर बोलता है, सल्फर की भाषा मटेरिया मेडिका की, हमारी ये लाइव मटेरिया मेडिका है। तो अगर आपको हमारे रूब्रिक समझने हैं तो हमारी बुक्स हैं, हमारी चीजें हैं, वहां से आपको ये भाषाएं समझ में आएगी कि ये क्लिनिकल भाषा कैसे समझनी है सल्फर की, सल्फर में परसीवरेंस कैसे समझना है। अब आप कहेंगे मटेरिया मेडिका में तो परसीवरेंस वर्ड है ही नहीं, तो ये आपको रिपर्टरी सीखनी पड़ेगी। फिर आपको रिपर्टरी वैसे चीज क्लिनिकली है वहां से भी और यहां से भी। देखो मैंने अभी तक आपको केवल इमेजिनेशन का पार्ट बताया है, थोड़ा आगे ले चलते हैं इसके अंदर के ऊपर, आपको हेलुसिनेशन सिखाते हैं। हेलुसिनेशन होता है एक फॉल्स सेंसेशन और फीलिंग ऑफ, जैसे कि डेल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर। मैं आपको ये रूब्रिक पहले दिखा देता हूँ, डेल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर। आप में से किसी ने ये रूब्रिक वैसे देखा है आज तक, डेल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर? बोलो ये देखा है किसी ने रूब्रिक, यस के नो? देखिए जी यहाँ पे हमने रूब्रिक है डेल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर, उसको आपको समझाते हैं फ्लोटिंग इन एयर कहाँ है, डेल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर। देखो भैया किसी ने एक गाना सुना हुआ है, मैं वैसे गायक मेरे को नहीं हूँ लेकिन मैं सिचुएशन के हिसाब से गाना भी गाता हूँ कभी कभी, वैसे मैं गायक कुछ नहीं। आजकल पांव जमीन पे पड़ते नहीं मेरे, फ्लोटर, आप फ्लोटर पहनते हो चप्पले? हाँ ये चप्पल फ्लोटर, फ्लोटर होता है जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हो, जैसे आपके पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे। अच्छा भैया आपके पांव जमीन पे कब नहीं पड़ते होते, कभी आपने यूज किया अपनी जिंदगी में ये वर्ड कभी यूज किया भी? आजकल मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे, पार्टीनेस में कभी तुमने बोला है आजकल मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे? या हम किसी और के लिए बोलते हैं, बड़ा खुश नजर आ रहा है यार, आज तो जो उड़ उड़ के घूम रहा है, बड़ा उड़ रहा है आजकल तो ये जी। हम बहुत खुश होते हैं, अच्छा यस सर, बोस्टफुल इन प्राइड सक्सेस। ऐसा होता है जब आपकी लॉटरी खुल गई और आपको उम्मीद नहीं थी, जब आपने एग्जाम तो बहुत बुरा किया फिर भी पास हो गए, ठीक है बगैर नकल करे, तो आपको समझ में नहीं आया पास कैसे हो गई, फिर आपके ना पांव जमीन पे नहीं पड़ते उस दिन, आज मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। तो क्या होता है कभी कभी हम खुशी के मारे हमें ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हेलुसिनेशन। दिस इज ए फीलिंग ऑफ हेलुसिनेशन के जैसे मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे आज। जैसे रास्ता मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जब मेरे को कोई खुशी की खबर आती है ना, तो पता नहीं मुझे लगता है कि शरीर मेरा हल्का हो गया है, हवा में उड़ रही हूँ, हेलुसिनेशन, जैसे मेरे अंदर कुछ हो रहा है बस। तो इसको इसी तरह से रूब्रिक को पढ़ने का हमने सीखा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि भाई ये रूब्रिक पेशेंट कैसे बोलेगा आकर। पेशेंट तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, मैं उड़ रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। इसको कैसे पढ़ते हैं रूब्रिक को, देखो पहले फ्लोटिंग को समझते हैं। फ्लोटिंग का मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो अटैचमेंट। जैसे मेरे को किसी चीज से जब अटैच नहीं होता, मैं धरती से अटैच नहीं हूँ ग्रेविटी से, तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। नॉट फिक्स्ड और सेटल इन ए डेफिनेट प्लेस, मैं किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता, ठीक है। ए ड्रिफ्टिंग टू एंड फ्रो विद द फ्लो ऑफ वाटर, विंड और सर, जैसे हवा में उड़ रहे हो, गिविंग अवे टू द पासिंग विंड। ए पीरियड, वाइल का मतलब क्या होता है, ए पीरियड और इंटरवल ऑफ टाइम, वॉकिंग, टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड, जैसे आप जब ऐसे स्टेप ले रहे होते हो ना, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, तो आप फ्लोट कर रहे होते हो हवा में, ठीक है। इसको इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन बेटा याद रखना, ठीक है। व्हाइल टेकिंग स्टेप्स ही फील्स इज पुशिंग द सरफेस बैकवर्ड एंड इज बीइंग पुश्ड टू फॉरवर्ड बाय द सरफेस टू द एयर। अब पेशेंट क्या कहता है, व्हाइल आई वॉक आई फील माय स्टेप्स आर नॉट टचिंग द ग्राउंड but are moving on a surface above it, which gives me the sensation of drifting smoothly. This sensation may have a positive feeling of enjoying aerostatic pressure, or the negative one of the strangeness. इसमें strange भी होता है बेटा, जरूरी नहीं कि खुशी में ही आप हवा में महसूस कर रहे हो, कभी कभी आप negative thoughts होते हैं, कभी गुस्सा होता है, कभी झूठ होता है, आपको झूठ लग रहा होता है कि ऐसे मेरे को लगता है रास्ता ऐसा हो, लेकिन होता नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि जैसे मेरे को लगता है हेलुसिनेशन में मैं इतना हल्का हो गया हूँ कि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। खासकर जब मेरे को कोई ऐसी बातें होती हैं, सक्सेस होती है, खुशी होती है, तो बस मेरा मन तो ऐसे होता है। देखो इसमें दवाइयां कौन सी है हमारे पास, दवाइयों पर भी नजर मार लो, ठीक है। हमारे पास लैक्सिस है, आप लैक्सिस देते हैं, फास्फोरस देते हैं, मैं आपको ऐसी दवाई देता हूँ जो हल्की फुल्की सी दवाइयां हैं, एंथेरिस है। अब ऐसे पेशेंट को डिल्यूजन ऐसा लगता है, हेलुसिनेशन, बस ये है हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम।
अब आपको मैं एक और बता देता हूँ, फिर आज का चैप्टर हम खत्म करके अगली बार आपको डिलीरियम भी पढ़ाएंगे। आता है इल्यूजन, इल्यूजन होता है जी जिसमें कि जो सेंसेस होती हैं, दैट इज ऑफ साइट एंड हियरिंग, देखने की और सुनने की, वो जो सेंसेस होती हैं, ठीक है, उसमें एक क्या होता है, डिसऑर्डर आ जाता है विजुअल में और ऑडिटरी नर्व्स में। जैसे कि डेलूजन फिगर सीज, डेलूजन ही इज फैंटम, आपको कभी कभी ऐसे ही वो क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, डेलूजन ही इज फैंटम। लेकिन ये इल्यूजन की प्रॉब्लम है, इसमें पेशेंट जो है वो ऐसा देख रहा है जैसे कि वो फैंटम है, जबकि वो फैंटम नहीं है। इल्यूजन फैंटम सीज, इल्यूजन सीज फैंटम्स, देख रहा है वो, विजन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको देखने में दिक्कत आ रही है, ये इल्यूजन है उसका बेटा। अब यहां पर पता लगा इल्यूजन के रूब्रिक अलग है, हेलुसिनेशन के रूब्रिक अलग है, इमेजिनेशन के रूब्रिक अलग है डिल्यूजन के अंदर। आपको सब पता होना चाहिए कौन से रूब्रिक कौन से में लगेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये जो फैकल्टी है कौन सी इन्वॉल्व हो रखी है। डिल्यूजन फैंटम सीज, देखो हॉरिबल विजन, देखो डिल्यूजन हॉरिबल विजन, उसको बुरी बुरी चीजें नजर आती है। डॉक्टर साहब मेरे को खून खराब है, मुझे ऐसा लगता है किसी का खून कर दिया, एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर साहब, मेरे को तो ऐसी ऐसी डॉक्टर साहब चीजें नजर आनी शुरू होती हैं। ये है उसका डेल्यूजन, जबकि वहां होता नहीं है डॉक्टर साहब कुछ नहीं, मुझे पता है वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन वहां मुझे जाते हुए डर लगता है, मुझे लगता है कि वहां पे जरूर कोई ऐसी चीज पड़ी होगी मैं जिसको देख के मेरे को घबराहट हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब मैं वहां जाता ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है वो जो चीज है ना वो जरूर कोई ऐसी डरावनी सी चीज है, मुझे ऐसा नजर आता है जैसे कि खून नजर आता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि लाल चीज उसको खून नजर आती है, ये विजन की प्रॉब्लम है उसकी। तो यहाँ लिखा हुआ है विजन, हॉरिबल विजन, तो ये एक जो समस्या है ये एक विजन की प्रॉब्लम। Hello everyone. Yeah, I hope you like the seminar. And now we have a representative from Homeopath who has been developing our software, the Sagal Expert System. He will tell you something about it. It's a very good software for the practitioners who are entering this method or are practicing this method. It helps you in day-to-day practice. And now I would like to call Soham to explain further. Hi, good afternoon Vedant. Good afternoon sir. सर अब एक्चुअली मेरे साथ आदर्श भी जुड़ा हुआ है, तो सारा स्टूडेंट्स और टीचर जो फैकल्टीज है वो भी जानते हैं आदर्श को, आदर्श उनके साथ भी काम करते हैं। राइट। तो आज सॉफ्टवेयर का जो पार्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ वो सैगल एक्सपर्ट सिस्टम है। सैगल स्कूल के साथ एज आप लोगों ने ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि सैगल एक्सपर्ट सिस्टम का जो रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी, इनका जो मेथड्स है, उनका जो स्टाइल है प्रैक्टिस करने का, वो थोड़ा डिफरेंट है क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ, होम्योपैथी से। तो ये सॉफ्टवेयर में फर्स्ट जो पार्ट आता है वो होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में आपको डॉक्टर एमएल सैगल का डिटेल्स और उनके बारे में कुछ स्टॉलवर्ड्स है, उनका जो ओपिनियन है, वो सारा स्क्रीन इसमें डिफाइन किया गया है। जो एक्सपर्ट सिस्टम्स का मेन पार्ट स्टार्ट होता है वो रिवोल्यूशनाइज्ड मेथड है। रिवोल्यूशनाइज मेथड में जो बिगिनर्स से या स्कूल के साथ या सिस्टम के साथ नए जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा ये फीचर दिया गया है कि अगर आपको इसके बारे में, इस मेथड के बारे में डिटेल्स आपको एनालिसिस करना है, डिटेल्स आपको जानना है, तो आपको इधर पे ही मिल जाएगा। तीन पॉइंट्स ऊपर में हाइपर लिंक किया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनाइज मेथड, डिस्कवरी ऑफ रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी एंड हाउ सैगल मेथड्स आर रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी। हर एक पॉइंट हाइपर लिंक है, अगर आप कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको आपके सामने डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसमें वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस मेथड के लिए। जैसे व्हाट इज सिमिलर, टोटैलिटी एंड सेंटर,
इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड इन रिवोल्यूशनाइज मेथड. हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट हाइपर लिंक है, तो आप कोई भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको एक्सप्लेनेशन जो है उसके डिटेल्स में मिल जाएगा. और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर, जैसे आर्ट्स एंड साइंस ऑफ रिवोल्यूशनाइज मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी जो सर बोल रहे थे, सारा डिटेल्स जो एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें हाउ टू टेक ए केस, व्हाट ही सेज, द टोन, मैनर, गेस्चर, स्टाइल, व्हाई ही सेज, ये सारा जो पॉइंट्स है ये बहुत माइन्यूटली आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है पेशेंट की तरफ से, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है, पेशेंट के साथ जो कन्वर्सेशन होता है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को रूब्रिक सिलेक्ट करना पड़ता है. इसमें और कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे क्लासिकल केस स्टडी, डॉक्टर संजय सहगल, योगेश सहगल, प्रीति सहगल, प्रेम शर्मा, उन लोगों का कुछ क्लासिक केस स्टडीज है. लिटरेचर है, जो बुक्स है, आरओई सीरीज का जो 14 वॉल्यूम्स का बुक्स है वो सारा दिया हुआ है. पाथफाइंडर का डिटेल्स दिया हुआ है, कुछ टेस्टिमोनियल्स दिया हुआ है, और ट्यूटोरियल्स, कुछ वीडियोज भी दिया हुआ है. जो मेन हार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट होता है इधर से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन, दिस इज द बेसिक ब्यूटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. इस पार्ट का एडवांटेज क्या है मैं बता देता हूँ. इसमें 70 जो मेन वर्शन है वो इसमें दिया गया है. शुरुआत जो होता है वो कन्वर्सेशन पेशेंट के तरफ, पेशेंट के एंड से शुरू होता है, उसके बाद डॉक्टर के साथ जो कन्वर्सेशन होता है, और उसको वो कन्वर्सेशन फिर आगे जाता है, और अल्टीमेटली जाके आप लोगों को रूब्रिक सिलेक्ट करना पड़ता है, और उधर से फाइनलाइज मेडिसिन चूज करना पड़ता है. ये जो पेशेंट का वर्शन है, ये जो कन्वर्सेशन मेथड है, ये कन्वर्सेशन मेथड का एडवांटेज ये है कि सपोज पेशेंट आके आपको बोला है डोंट लाइक टू टेक मेडिसिन एट ऑल, अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो बेसिकली आपके तरफ से जो एक क्वेश्चन आएगा, तो व्हाट यू डू व्हेन यू गेट सिक, तो बीमार पड़ने पे आप क्या करते हैं, ये सवाल आप पेशेंट को करेंगे तो पेशेंट वेरियस टाइप का आंसर दे सकता है. इसमें से दो पॉइंट्स इधर पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है. व्हेनेवर आई गेट सिक आई प्रेफर टू इट टू गेट बेटर विदाउट एनी मेडिकेशन, और आई प्रेफर टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन. ये वाला पेशेंट अगर ऑप्शंस आपको बोल रहा है तो आप डायरेक्टली इसको चूज कीजिए. पेशेंट जो बोल रहा है उसको जो सिलेक्ट करना है वो बहुत माइन्यूटली आपको सिलेक्ट करना है, उसका हर एक ऑप्शंस जो है उसको पढ़ना है, और उसके हिसाब से आपको चूज करना है, क्योंकि आपने कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर इसके हिसाब से जो कंटिन्यूएशन होगा वो भी, आपका जो कन्वर्सेशन होगा वो भी गलत हो जाएगा. तो ये जो ऑब्जर्वेशन, ये जो लाइन से, ये आपको डिटेल्स में देखना है, और इसको डबल क्लिक करके सिर्फ आगे जाना है. इस जगह पे इस सॉफ्टवेयर का ब्यूटी यही है, जो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है उन लोगों को पता है कि पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन के टाइम पे जो माइंड का रूब्रिक्स जो होता है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है. पर जो बिगिनर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो अभी ज्वाइन हुए इनके साथ, उन लोगों के लिए एक बहुत दिक्कत भरा बात हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ भी आपको सवाल करूँ या पेशेंट मुझे कुछ भी बोले, मैं उसके पीछे अगर एक क्यों हुआ ये चीज, अगर मैं ये क्यों वर्ड डाल दूं तो वो कन्वर्सेशन मेरा कभी खत्म नहीं होता है पेशेंट के साथ. तो ये सॉफ्टवेयर इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप जब पेशेंट के साथ जो कन्वर्सेशन, कौन सा जगह पर जाके स्टॉप करना है, और उधर से कैसे रूब्रिक्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडी है वो आ जाएगा, वो आपको इसमें ही डिफाइन हो जाता है. सपोज ये जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसके मैं एंड लेवल पे जाता हूँ, सिर्फ डबल क्लिक करके मुझे आगे जाना है. अगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मुझे एक ही पाथ फॉलो करना है, और मैं उसी हिसाब से आगे जा रहा हूं. तो इस पॉइंट पे मैं आ गया, तो ये मेरा एंड पॉइंट है. अभी मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे ऑप्शन देगा, नो मोर सब ऑप्शन अवेलेबल फॉर करेंट सिलेक्शन, वुड यू लाइक टू वी द रेपुटेशन शीट. अभी मैं फिलहाल नो कर रहा हूं इसको. देखिए राइट हैंड साइड में जो आपका रूब्रिक से पेशेंट के साथ जो एंटायर कन्वर्सेशन हुआ है, इधर पे एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू सिलेक्टेड वर्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा वर्शन आपको मिल जाएगा. जो अभी तक मेरा कन्वर्सेशन पेशेंट के साथ हुआ है वो एंटायर कन्वर्सेशन मेरे सामने इधर पे डिस्प्ले होगा, और उसके रिगार्डिंग मैंने क्या क्या रूब्रिक्स सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उठाया है तो सिलेक्ट किया है, वो ऑटोमेटिकली इसमें डिस्प्ले होता है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्सपर्ट रेमेडी जो है वो एक्सपर्ट रेमेडी भी इधर पे डिस्प्ले हो रहा है वैलिड होना. अभी इस जगह पे आके बहुत सारा डॉक्टर्स का सवाल रहता है कि ये तो रूब्रिक्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया सॉफ्टवेयर ने कन्वर्सेशन के तौर पे, अगर मुझे इस कन्वर्सेशन का, सपोज ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है, मैं इस पॉइंट्स को दिखा देता हूँ पहले, ये फ्रिबोलाज जो वर्ड है, अगर इसका मुझे पाथफाइंडर या तो वर्ड मीनिंग और उसके रिलेटेड जो क्रॉस रेफरेंसेस है वो मुझे देखना है, तो मैं फ्रिबोलाज के ऊपर क्लिक करूंगा, इसमें सिलेक्ट करूंगा, पाथफाइंडर डिक्शनरी मेरे सामने आ जाता है.
ये पाथफाइंडर डिक्शनरी को जैसे मैं ओके करूंगा तो ये मेरे सामने अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेपर्ट्री जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन ओपन हो जाता है। बेसिकली ये जो है ये पाथफाइंडर है, इसमें फ्रिवोलस का जो वर्ड मीनिंग है उसका जो रूब्रिक्स है और उसका सेगल मीडिया लाइब्रेरी वो उसमें कहाँ पे आपको ये वर्ड मिल जाता है वो भी आपको मिल जाएगा। इधर पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सर्च इन ROH लाइब्रेरी, उसमें मैं क्लिक करूंगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को जोमियो से दिखा रहा हूँ तो सारा डिटेल्स जहां जहां मुझे फ्रिवोलस वर्ड मिला है जितना भी रेपर मैथमेटिका के अंदर वो सारा मेरे सामने आ रहा है। इसमें कुछ फिल्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से ऑथर फिल्टर मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं सेगल सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये दो बॉक्स में टिक करके डन करूंगा तो मेरे सामने लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सेगल का जो बुक्स है वो ही मेरे सामने डिस्प्ले होगा। तो इसमें से कोई भी वॉल्यूम्स का बुक पे आप क्लिक करेंगे उसमें जो जहाँ पे फ्रिवोलस लिखा हुआ है वो सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। उस सेक्शन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फ्रिवोलस जो वर्ड है वो हाईलाइट हो जाएगा आपके सामने। इसका एडवांटेज क्या है कि आपको एंटायर बुक से वापस फ्रिवोलस कहाँ पे लिखा हुआ है उसका आगे पीछे का जो लाइन है वो आपको दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस वर्जन में एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं उसके साथ आपको इसको लिसन करना है तो इधर पे प्ले बटन दिया हुआ है, आप प्ले बटन पे प्ले बटन यूज करेंगे तो ये रीड भी कर देता है सॉफ्टवेयर। इसमें कुछ वॉयस दिया हुआ है जो वॉयस है विंडोज का, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज वॉयस आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके हिसाब से वो वॉयस आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं उनके हिसाब से आपके जो लग रहा है। मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन पेज पे आ रहा हूँ वापस। इस पेज का एडवांटेज क्या है, अभी बहुत सारा डॉक्टर ने मेरे पास ऐसा सवाल किया है कि सपोज ये तो रूब्रिक्स ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये छोड़ के भी मुझे लग रहा है कि पेशेंट के पास और भी कोई रूब्रिक्स है मेंटल रूब्रिक जो मुझे ऐड करना है रेपर्टेशन शीट में और मुझे देखना है उसके अकॉर्डिंग रेमेडी क्या आता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है इसमें, तो आप ये जो सामने जो चेकबॉक्स है वो सारा चेकबॉक्स को आप ऑन कर दीजिए, ये जो सारा रूब्रिक्स है आपका रेपर्टेशन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं रेपुटेशन शीट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये रेपुटेशन शीट ओपन हो जाता है। अब इसमें से मैं कुछ भी रूब्रिक्स अगर मुझे ऐड करना है तो मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूं। जैसे मैं कुछ रूब्रिक्स ऐसे ऑलरेडी ऐड कर लिया मैंने, नीचे देखिए ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब इस जो पेज एंटायर पेज दिखा रहा है इसमें दिखा रहा है टोटलिटी के हिसाब से सॉफ्टवेयर आपको रेमेडी डिस्प्ले करता है। टोटलिटी पल्सेटिला का सबसे आगे आ रहा है 10, बेलेडोना 9, स्टेमोनियम 8, कैल्केरिया कोनियम, ऐसा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सेट किया हुआ है टोटलिटी। अगर आपको सिम्टम्स कवर्ड, बहुत सारा डॉक्टर्स क्या करते हैं टोटलिटी वाइज मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, बहुत सारा डॉक्टर्स क्या करते हैं सिम्टम्स कवर्ड वाइज इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो सिम्टम्स कवर्ड वाइज आपको देखना है तो आप सिम्टम्स कवर्ड पे क्लिक कीजिए, देखिए आपके सामने सबसे पहले बेलेडोना मेडिसिन आ गया जिन्होंने 9 टोटलिटी उसको मिला है पर उन्होंने 6 सिम्टम्स ही कवर किया है। तो डेफिनेटली आप अगर सिम्टम्स कवर्ड के हिसाब से जाएंगे तो बेलेडोना आपके सामने एक ही मेडिसिन आ रहा है। उस बेलेडोना का अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है तो जस्ट बेलेडोना के ऊपर आप क्लिक कीजिए, इसमें आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगा बेलेडोना का, उसका कॉमन नेम, किंगडम, स्टेज, साइट, मायाजम्स। प्रॉपर्टीज के बाद आपको कीनोट्स देखना है, मोस्ट कॉमन जो रेमेडीज है उसका एलएन का कीनोट्स दिया हुआ है, बाकी जो कीनोट्स है 1500 के ऊपर टोटल कीनोट्स दिया हुआ है, बाकी हम लोगों का कंपाइलेशन है। रेमेडी रिलेशनशिप ये भी बहुत इफेक्टिव आता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम सेकेंड में प्रेस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ फॉलोड ऑयल या फॉलोज ऑयल इनिमिकल कंपेयर ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा प्रीवियस मेडिसिन का। इधर से आपको बुक सेक्शन का डिटेल्स पढ़ना है, रेफरेंस बुक्स, आपको कोई मैथमेटिका फॉलो करना है तो डायरेक्टली आपको बुक सेक्शन जा सकते हैं आप इधर से बेलेडोना का, इस ऑप्शन को चूज कीजिए, आपको जो फेवरेट बुक्स है वो बुक्स आपको इधर से मिल जाएगा, आप उस बुक्स को सिलेक्ट कीजिए तो डायरेक्टली उस बुक्स का डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाता है। ये सारा सिंगल स्क्रीन से ये मेरे सामने ओपन हो रहा है। इसमें बहुत सारा, ये तो मैंने एक सिंगल टोटलिटी और सिम्टम्स फॉरवर्ड वाइज दिखा रहा, बहुत सारा फिल्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, मिनरल्स फिल्टर, प्रॉपर्टी फिल्टर, रेमेडी मार्क फिल्टर, क्रॉस रेफरेंसेस, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। प्रॉपर्टी फिल्टर जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी उन लोगों को पता है, इसमें मैं कॉमन हिसाब से अगर मुझे फिल्टर यूज़ करना है तो ये फिल्टर भी मैं इधर से यूज़ कर सकता हूँ और उसके हिसाब से मैं अपने मेडिसिन भी चूज कर सकता हूँ। देखिए 109 मेडिसिन में से डायरेक्टली मेरे पास आ गया 10 बेलेडोना का मेडिसिन है।
रेपुटेशन शीट में बहुत कुछ दिखाने का, बहुत कुछ ऑप्शन है, जो ऑप्शन है मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ, सेगल का जो मेन पार्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेपर्ट्री, जो पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले दिखाया फ्रिवोलस का, इसके रिगार्डिंग ऐसे आप लोगों को कुछ और रूब्रिक्स पाथफाइंडर का और वर्ड सर्च करना है। तो मैं ऑलरेडी ये वर्ड चूज कर लिया, तो देखिए इसका वर्ड मीनिंग, उसका रूब्रिक, उसका क्रॉस रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंस वर्ड सर्च आरोही लाइब्रेरी बुक, ये सारा आपको इसके अंदर डिटेल्स मिल जाता है। सेगल एक्सपर्ट सिस्टम्स का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आरओएच मीडिया लाइब्रेरी है। इसमें आपको जो मिल रहा है, आपको बहुत सारा लाइब्रेरीज मिल रहा है, जो बहुत सारा सेमिनार्स है उसका छोटा छोटा जो क्लिपिंग्स है, एंग्जाइटी आप इसको सर्च कर सकते, फिल्टर कर सकते वर्ड वाइज रूब्रिक वाइज। अगर आपको रूब्रिक्स वाइज सर्च करना है तो आप इसको रूब्रिक वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर का एडवांस, ये चीज मैं बता रहा हूँ, अब बहुत सारा लोगों के पास, जैसे मैंने आदर्श ने मुझे बताया कि बहुत सारा आप लोगों के पास जो है वो पुराना क्लास ज़ोमियो 3.0 वर्षन है जिसके साथ साइगल एक्सपर्ट सिस्टम है, या बहुत सारा लोगों के स्टैंड अलोन वर्षन है। ये जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये नया इंटरफेस है होमपैथ का, जिसमें आपको ये इंटरफेस आपका मैक में भी कम्फर्टेबल है एज वेल एज आपको विंडोज में भी कम्फर्टेबल है। और इस वर्शन को जो है ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है, जैसे एंटीवायरस इंटरनेट कनेक्ट करते ही आप लोगों का ऑटोमेटिक अपडेट होता है, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाता है सॉफ्टवेयर इसके इंटरनेट कनेक्ट करते ही, इसका डिटेल्स। और आज कुछ स्पेशल ऑफर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हर एक सेमिनार में जो सेमिनार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सेमिनार में हम लोग कुछ स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, तो उस स्पेशल ऑफर में आज कुछ स्पेशल ऑफर है। जैसे जिन लोगों के पास ऑलरेडी सेगल एक्सपर्ट सिस्टम है, या कुछ लोग जो नए परचेस करना चाहते हैं सेगल एक्सपर्ट ज़ोमियो प्लस सेगल एक्सपर्ट सिस्टम, उसका बेसिक प्राइस, एक्चुअल जो प्राइस है वो 55,000 प्लस 18% जीएसटी आता है। आज के लिए वो डिस्काउंटेड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी 50,000 में आ रहा है। ज़ोमियो यूजर्स हु वांट टू ऐड सेगल एक्सपर्ट सिस्टम, जो उन लोगों के पास नॉर्मल ज़ोमियो है उन लोगों के लिए आज हम 15,000 में ये ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यू सेगल एक्सपर्ट सिस्टम अगर किसी को परचेस करना है तो उनको 20,000 प्लस 18% जीएसटी के जाएगा, उनको 17,000 इंक्लूसिव ऑल ये ऑफर मिल रहा है। और किसी को सेगल एक्सपर्ट सिस्टम्स है, ज़ोमियो सॉफ्टवेयर भी है उनके साथ, उसको परफेक्ट रेपर्ट्री ऐड करना है, तो आज उनको ये 4,000 में मिल रहा है, मतलब 100,000 रुपीज का जो है स्पेशल डिस्काउंट है। और ये टोटल जो है आप बुक कर सकते हैं, इसमें 1,000 रुपीज दे के बुक कर सकते हैं, और बाकी का जो इंस्टॉलमेंट है वो 0% इंटरेस्ट में आप आगे भी पेमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं सोहम हूँ, मेरा फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया हुआ है, आदर्श इसको आप सभी लोग जानते हैं, उसका कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स है, बाद में नीतीश है उसका भी डिटेल, एग्जीक्यूटिव जो है उनका भी डिटेल्स इधर पे दिया गया है, आप किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मोड जो है आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, गूगल पे, पेपल, पेटीएम, अमेजन पे, भीम, यूपीआई, कोई भी मोड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट। आई होप आप लोगों को जो मैंने सेगल एक्सपर्ट सिस्टम का सेशन दिखाया आप लोगों को अच्छा लगा। फर्दर कुछ कम्युनिकेशन और डिटेल्स सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग लेना है, जानना है, तो आप वेदांत के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों के में से किसी के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बुक करना है तो आप डायरेक्टली हम लोगों के साथ या वेदांत के साथ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो टिल नाउ थैंक यू वेदांत, थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Thank you, Soham, for the presentation. So if anybody have any queries or they want to book a software, they have the numbers written in the screen. They can contact them or contact us directly. So, and before ending today's seminar, I would like to make a thank you to Dr. Renuka. Soham, to screen ban karna. Haan ji, it was a nice session. अभी देखिए हमने जो पहले भी आपको कहा, जो वीडियोस हैं सारे अभी YouTube पे डाल दिए गए हैं, आप लोग देखिए, आप उनका एंजॉय, लोग देखते हैं बड़े अच्छे से,
रेणुका जी और हम लोग एफर्ट करते हैं कि आपको जोड़ें। आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट भेजा करिए, अगर आपको कुछ सुनना हो या कोई बात हो या रिकॉर्डिंग चाहिए, यू हैव डॉक्टर वेदांत नंबर, यू आस्क अस डायरेक्टली के भी हाँ। अब अगला जो चैप्टर होगा वो डिलीरियम का होगा। Lightning the rubric, especially the delusion in elaboration.